होता नहीं लोगों का। हम बात कर रहे हैं डीआई का, तो डीआई के हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, कितने टाइप के डीआई पूछे जा सकते हैं, जरा समझिएगा। तो पहला हमारा आता है कौन सा, टेबुलर डीआई। कैसा आता है टेबुलर डीआई, किस टाइप का डीआई आता है, टेबुलर डीआई, समझ आ रही बात। दूसरा जो है हमारा आता है पाई चार्ट। क्या आता है, पाई चार्ट, ठीक है। तीसरा आता है हमारा लीनियर ग्राफ। क्या होता है, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में कैसा होता है, इस टाइप के डायग्राम्स बने होते हैं, पाई चार्ट में सर्कुलर होता है, और टेबुलर डीआई में तो इस टाइप का होता है, आप समझ रहे होंगे बात को। चौथा आता है हमारा बार ग्राफ। क्या होता है, किस टाइप का डीआई होता है, बार ग्राफ। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो बार ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है ना, क्लियर है सबको, बार ग्राफ। पांचवा, एकदम मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर आता है, पॉपुलर जिसको हम बोलते हैं, वो आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, टेबुलर के साथ पाई चार्ट को जोड़ दिया जाएगा, टेबुलर के साथ आपका लीनियर ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ के साथ पाई चार्ट को जोड़ा जा सकता है, यानी मिक्स्ड डीआई हो गया। सिक्स्थ नंबर का जो आपका डीआई आता है, सिक्स्थ टाइप का जो डीआई आता है, वो आता है कौन सा, केसलेट डीआई, जिसको पैराग्राफ बेस्ड डीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केसलेट डीआई या पैराग्राफ बेस्ड डीआई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेडार ग्राफ। जो लोग भी कैट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए रेडार ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेडार ग्राफ इस टाइप का आपका दिया जा सकता है, ठीक है, वेव की तरह होता है वो। और केसलेट डीआई में तो सेंटेंस, बाकी लोग को क्लियर आ रहा है क्या आवाज मेरी, क्लियर, हाँ तो देख लीजिए आपकी साइड से ही इशू है, तो आप रिज्वाइन कर लीजिए, शायद ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, रिज्वाइन कर लीजिए, हाँ ठीक है। तो ये हमारा सात टाइप का डीआई हमें देखने को मिलेगा। चीज़ें और भी हम, लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली, कभी कभी ट्रायंगुलर डीआई भी देते हैं, बट यहाँ तक ये सेवन टाइप के मोस्ट पॉपुलर डीआई आपको पूछे जाएंगे। केसलेट डीआई को हम पैराग्राफ बेस्ड डीआई भी बोलते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में आपकी स्टेटमेंट दिए रहते हैं और आप उसको टॉबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया, सेवन टाइप के डीआई। तो अब हम लोगों का जो स्टार्ट हो गया है, बहुत सीरियस तरीके से समझिएगा, चलो समझते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, अगर वो प्री एग्ज़ाम है, मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, 100 मार्क्स का अगर रहेगा तो 5 से 10 क्वेश्चन मिनिमम, कितना मिनिमम, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्री लेवल का एग्ज़ाम है तो डीआई के देखने को मिलेंगे, वो किसी भी टाइप का डीआई हो सकता है इस कैटेगरी में, 7 कैटेगरीज में, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं, लेकिन 15 नहीं देते, 10 क्वेश्चन देते हैं ना, 10 क्वेश्चन दिया जाए। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का हो रहा है, मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, अगर 200 मार्क्स का हो रहा है जिसको हम मेंस का एग्ज़ाम बोलते हैं, तो मिनिमम आपके क्वेश्चन जो हैं 15 रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके डीआई के रहेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपको हो सकता है 25 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाए। कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 25 क्वेश्चन तक आपको देखा जा सकता है, बट 25 तक नहीं पूछा जाता, जनरली 20 तक होता है, बट मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, 25 से ज़्यादा नहीं देंगे, यानी 5 डीआई आपको दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा आपको डीआई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आई होप सब लोग को क्लियर है, यस और नो, यस और नो। तो मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस प्रोसेस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है जरा समझते हैं, वन सेकेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं भेजते चले जा रहा हूँ, आई होप सब लोग ज्वाइन किए होंगे मैथ्स बाय रवि रंजन सर टेलीग्राम ग्रुप, है ना। जो लोग नए हैं आप डाल लीजिए रवि रंजन सर मैथ्स ग्रुप, या फिर मैथ्स बाय रवि रंजन सर भी डालेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनके लिए जो नया एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चीज़ें, कुछ चीज़ें हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि इस डीआई को पढ़ने से पहले
कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या है ज़रा समझिएगा। पहला आपको ये याद रखना है कि आपको 1 से लेकर 50 तक का क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर से याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्पेस स्क्वायर से याद होना चाहिए। दूसरा दूसरा पॉइंट आपको ये बात समझनी होगी, जो लोग भी नए हैं बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर कम से कम 25 तक का क्यूब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 17 का क्यूब कितना है, तो 4913 है, ये आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा 19 का क्यूब क्या है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए, जितना फास्ट मैं बोल रहा हूँ उतना ही फास्ट आपको याद होना चाहिए। 19 का क्यूब क्या होता है? 6859। अगर मैं बोलूँगा 18 का क्यूब क्या है, तो आप बोलेंगे सर 5832 है। मैं बोलूँगा 39 का स्क्वायर क्या है, बताओ 1521। तो ये फटाफट आना चाहिए आपको, क्योंकि स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल्स जो है आपको कोशिश करनी है कि आपको 30 तक का टेबल याद हो। कहाँ तक का टेबल याद हो? कहाँ तक का टेबल याद होना चाहिए? 30 तक का। जनरली लोग 20 तक तो याद रखते ही हैं, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू टेबल्स आपको याद होना चाहिए कहाँ तक का, 30 तक। अगर मैं बोलूँगा 23 5 जा कितना होता है, तो 115 होता है, तो फटाक से याद होना चाहिए ना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि नहीं? Yes, तो कम से कम 30 तक तो याद रखो। अगर 30 तक नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 25 तक तो याद रखना ही है, जिसको हम टेबल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में एक चीज़ और याद रखना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन स्पीड, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो या सब्ट्रैक्शन हो, उस बहुत क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। यानी जो भी करना है हमें फास्ट कैलकुलेशन करना है, नहीं तो काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। ये बात आप समझिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट पे हमें ये बात समझना होगा कि हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमें अगला पॉइंट जो हमें याद रखना है या फिर हमें समझना है, लेट लतीज लोग हैं, ठीक है। एवरेज की बात हमें समझ में आ गई कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए आगे की बात, अगला हमें जरा समझना होगा, हमें याद रखना होगा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और फ्रैक्शन को परसेंटेज से कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? 100। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, अगर मैं बोलूँगा 3/4 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या बोलेंगे? 3/4 × 100, ठीक है। 25 टाइम्स से कितना हो गया? 75% हो गया। क्लियर है? तो अगला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर करना है चेंज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर चेंज करना है, सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एकदम इजी तरीके से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो बताइए, ठीक है। यस सर। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 75% है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या आएगा इसकी वैल्यू? तो आप बोलेंगे सर 75, और चूंकि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 25 4 जा, तो या तो इसका आंसर 3/4 होगा या 3:4, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। यानी बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हालांकि इसे कोई बड़ा चीज़ है ही नहीं, वो मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन। अच्छा एक बात मैं और बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है ना, ये सारे के वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ तक 8 पॉइंट तक आपको समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 में हमें समझना होगा, अगला पॉइंट आता है इंक्रीज,
इंक्रीज जो होता है, इंक्रीज क्या होता है जरा बताओ मुझे। किसी नंबर में इंक्रीज करना हो तो हम क्या करते हैं, लार्जर नंबर से क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को घटा स्मॉलर देते हैं, नंबर को घटा देते हैं, तो हमें इंक्रीज निकल जाता है। इंक्रीज का ही दूसरा नाम है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। और एक बात हमें समझना है कि डिफरेंस हम उसी का निकालते हैं जब बड़े से हम छोटा घटाते हैं, छोटे से बड़ा हम नहीं घटाते, हम किसे बड़ा घटाते हैं, बड़े नंबर से स्मॉलर नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं, इसी को हम इंक्रीज बोलते हैं, ठीक है, या हम डिफरेंस बोलते हैं। सम का मतलब तो आपको पता है ही, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है ना, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है, वो एक सम ऑफ नंबर्स मतलब एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक। अगला पॉइंट है मेरा, हाँ भाई क्लियर है सबको, आवाज़ आ रही है मेरी, यस और नो? ठीक है, चलिए ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है, जरा समझिएगा इस चीज को, अगला पॉइंट आता है हमारा परसेंटेज इंक्रीज। क्या आता है? परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉलर नंबर इंटू 100, ठीक है, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, नीचे लिखे रहा हूँ, परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर इंटू 100। लार्जर किसी भी नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जरा सोचिए 2/7 और 2/9, मुझे बताइए कौन सा बड़ा वैल्यू है, 2/7 बड़ा है या 2/9 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर? 2/7। इसलिए है क्योंकि आपने छोटे नंबर से डिवाइड किया तो वैल्यू बड़ी निकली। देखो 7 और 9 में, एक सेकंड रुको, ठीक है, चलो समझिएगा, मुझे बताइए 2/7 इसलिए बड़ा निकला, इसका मतलब ये होता है कि 2 के आपने 7 टुकड़े किए हैं, और सेकंड वाले केस में क्या है, 2 के आपने कितने टुकड़े किए, 9 टुकड़े किए, तो सबसे ज़्यादा छोटा टुकड़ा किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो बोलो? यस सर। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और परसेंटेज डिक्रीज का मतलब लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन लार्जर नंबर इंटू 100। जब लार्ज नंबर से आप डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर बड़ा निकलेगा तो परसेंटेज ऑफ वैल्यू घट जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, यानी छोटा हो जाएगा। लेकिन जब आप स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, देखो जब न्यूमरेटर स्मॉलर होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन ऊपर हमेशा डिफरेंस हमेशा लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर का ही रहेगा। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, यस और नो? ठीक है ना, चलो कोई तकलीफ नहीं, आपको कोई डाउट हो किसी तरह का आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट में भेजता जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलें। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल इन 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ। कितने विलेजेस हैं, विलेजेस कितने विलेजेस हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। क्या ये बात अब, अच्छा मैं आपको पीडीएफ नहीं भेजा हूँ ना अभी तक, एक मिनट पीडीएफ भेज देता हूँ। नहीं सर, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसान रहे चीज़ों को समझने में।
ठीक है। चलिए अब टेबलर डायग्राफ को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं, ये ज़रूरी भी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, छोड़ो एक ही से बात करते हैं, ध्यान से देखना हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये लिखा है जीरो, लिखा हुआ है कितना लिखा है जीरो, ये लिखा है टेन, ये लिखा है ट्वेंटी, ये लिखा है थर्टी, ये लिखा है फोर्टी। यस और नो, समझ में आ रही सबको बात? यस और नो जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से देखिए, इसके बीच में मैं एक दो तीन चार, चार लाइन खींच दिया, तो मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए इसमें कितने यूनिट है, दो तीन चार पाँच, तो आप देखेंगे कि दो यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। अगर कोई पॉइंट है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, वन यूनिट की वैल्यू। जीरो से टेन में अब देखो अगर इसमें पाँच यूनिट है, एक दो तीन चार पाँच यूनिट है, तो पाँच यूनिट को आप दो से मल्टीप्लाई करते हो तो टेन आया, और टॉन टेन क्या है, इसका मैक्सिमम पॉइंट है, टॉप है, और ये क्या है जीरो। समझ में आई बात? यस और नो बोलो, हाँ क्लियर सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा समझिएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई दो, ये बहुत आसान था आप लोगों के लिए पता लगाना, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में पता, अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे मैं 100 कर दूंगा तो एक मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यस और नो हो जाएगी ना, बोलिए। अगर 10 के जगह पे 100 कर दूं तो 0 से 100 के बीच में एक मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, 20। 20 आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। अब ज़रा मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए, एक नोट की वैल्यू अगर दो है तो तीन नोट की वैल्यू कितनी आएगी, छः आ जाएगी, और इस केस में बात करेंगे तो तीन नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 20 × 3 = 60। चलिए ये तो बहुत आसान था, आप चीज़ों को आसानी से समझ गए। देखिएगा मैं धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाता जाऊँगा और कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा इंक्रीज करता जाऊँगा, ठीक है, मतलब थोड़ा लेवल इंक्रीज करता जाऊँगा, ठीक है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, अभी तक तो आपने देखा कि हमने 1 2 3 4 लिखा था, क्या लिखा था, 1 2 3 4। लेकिन मैं आपको थोड़ा, चलो अभी बता देता हूँ, सस्पेंस रख के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उससे। ज़रा समझिएगा कि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, जल्दी बताइए। 10 है, 10 था, यस और नो, और कितने यूनिट में बांटा गया था, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, बताइए जल्दी से। 5 थे, तो 10/5 कर देंगे तो सीधा सीधा पता चल जाए एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये जो है क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, लेकिन जब क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जामिनर फंसाने के लिए 0.04 लिख देते हैं, 0.9, 0.90 लिख देते हैं, 0.9, 0.18 ऐसा कर देते हैं, तो बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए, इसीलिए चीज़ों का आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है नहीं? चलो फिर से आगे देखते हैं हम लोग, मैं फिर से वही क्या कर रहा हूँ, दो चार लाइन हमने खींच दिया, अब मैं यहाँ पर थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जीरो, यहाँ लिख रहा हूँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर। अब मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए। अब बताओ, थोड़ा टफ हो गया ना चीज़ों को समझना, टफ नहीं हुआ, थोड़ा सा चीज़ें बदल गई, पॉइंट पॉइंट टू हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो एक बात हमें समझ में आया कि वन को मुझे किसे डिवाइड करना है, मैक्सिमम वैल्यू को किसे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ यूनिट से, यस और नो, यानी जितने लाइंस खींचे गए, यानी एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट और पाँच यूनिट, नंबर ऑफ क्या यूनिट्स से। तो आप देखेंगे वन को अगर मैं फाइव से डिवाइड करूँगा
तो कितना आएगा 0.2, यस और नो? यानी एक नोट की वैल्यू अगर 0.2 है तो तीन नोट की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बता दीजिए ईमानदारी से। 0.2 × 3 0.6। अब देखिए चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जामिनर को संतुष्टि नहीं मिला है। अभी देखिएगा कि एग्जामिनर क्या किस तरीके से चीज़ों को बच्चों को ट्रैप कर सकता है, देखिएगा। अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 0, 4, 8, 12, 16। अब मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अब तकलीफ हो गया। 0.8। अगर ये 5 यूनिट में है, अब आप आसानी से बता पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि 4/5 यूनिट है, तो आप समझ में आ गया तुरंत कितना आ गया 0.8। लेकिन ये स्टार्टिंग में आप बता पाते क्या, बोलो? अगर ये चीज़ मैं नहीं नहीं सर, नहीं बता पाते ना, आपको समझ में नहीं आता नो अरे सर, ऊपर से 4 है और 0 है तो एक मिनट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम 20-20 मैच खेलें, ना खुद के साथ ना एग्जामिनर के साथ, ठीक है? तो वी नीड बी एग्जाम रेडी, ठीक है? चलिए अभी मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यानी लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ, आई होप। तो अगर एक नोट की वैल्यू अगर 0.8 है, तो अगर कोई ग्राफ या फिर टेबल या कोई ग्राफ सपोज यहाँ पे होता, हालांकि ये जो टॉपिक है ये क्या है, बार ग्राफ का है। किसका, कौन सा टॉपिक है ये? बार ग्राफ का, ये टेबुलर ग्राफ का। अब इसमें क्या है, बार ग्राफ और टेबल ग्राफ को क्या किया गया है, मिक्स किया है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग को दोनों को मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम एक एक पैटर्न का करेंगे तो 7 पैटर्न के तो हमारे टॉपिक हैं, उसके अंदर दो दो करेंगे कवर करेंगे, तो हर पैटर्न पे हमें क्वेश्चन करना होगा ना, एक एक लेक्चर देना पड़ेगा पूरा डिटेल में, तो 12 लेक्चर लग जाए तो 3 महीना तो हमारे पास टाइम है नहीं कि हम टेबल DI ही पढ़ते रहें। तो हमें कोशिश करनी है कि हम 1 महीने में, हैं, समझ रहे हो, चीज़ों को मिला के करते चलें, ठीक है ना? और मैं आपको बता देता हूँ कि आज जितने भी बच्चे स्टूडेंट अभी लाइव हैं, कोई भी स्टूडेंट अब्सेंट मत होना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आगे से बिल्कुल अब्सेंट मत होना। कोई भी काम हो, अगर वेडनेसडे को तुम नहीं आ पा रहे हो तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैथ्स का लेक्चर DI तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर DI छूट गया तो समझ लो जॉब छूट गया, समझ में आ रहा है? DI छूट गया तो मेंस में जॉब छूट गया, 20 नंबर छूट गया, और 20 नंबर छूट गया तो फिर ख़त्म कहानी, ठीक है? तो एकदम स्लोली स्लोली बता रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यस और नो? चलिए अब देखिएगा, ज़रा समझिएगा। अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 15, यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 45 और यहाँ लिख दिया 60। अब मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, बड़ा सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या है, 3 है। तो आप देख रहे हैं कि 15/नंबर ऑफ यूनिट 5 था, तो ये सीधा सीधा 3 आ गया। लेकिन तकलीफ तो तब हो जाती हमें जब एग्जामिनर क्या करता, ज़रा समझिएगा। एग्जामिनर लिख देता यहाँ पे 0, ये लिख देता 1.5, फिर यहाँ पे लिख देता क्या, बोलो क्या, 1.7, टू, सॉरी सॉरी, टू नहीं, टू नहीं, रुको, अभी 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 टफ नहीं करता हूँ, रुको, 3.0, 3.0 या 4.5 और फिर 6.0। तो अभी भी आप देखेंगे इसमें ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं, 1.5 नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 5 है, तो आप डिवाइड करेंगे 0.3, समझ में आया ना? अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर 0.3 है तो तीन यूनिट की वैल्यू कितने आएगी, 0.9। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? तो हम लोग जो है टॉपिक बार ग्राफ को ही स्टार्ट किए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम टेबल से ही स्टार्ट कर रहे हैं या पाई चार्ट से स्टार्ट करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए अभी तक ये चीज़ तो आप तब समझे जब इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 5 थे, कितने थे, कितने थे, 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चले, देखिएगा, हाँ जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा लाइन एडजस्ट कर लेना तुम लोग। अभी क्या किया एग्जामिनर ने, ये लिखा 0, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4। अभी एग्जामिनर ने क्या किया, 1, 2, 3 सिर्फ कितने लाइन खींचे, 3 लाइन खींचे, समझ में आ रही बात? कितना लाइन खींचा, 3।
ऊपर भी कितना खींचा है, एक दो तीन, एक दो तीन। मुझे बताओ एक कंप्लीट को उसने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक दो तीन चार, यस और नो, यस और नो बोलिए। अब जरा इंटरेस्टिंग बात समझना, हाँ बहुत अच्छे से समझना। एक दो तीन चार, जब आप पिछले बार सॉल्व कर रहे थे तो ये जीरो था सपोज, और ये फाइव था, और इसमें पांच यूनिट था, एक दो चार लाइन था तो पांच यूनिट, एक दो तीन चार पांच यूनिट। तो टेक्निकली आप एक यूनिट की वैल्यू कितना बताए थे, जल्दी से बताइए कितना, 0.2 3.2, क्यों वन ना, पांच तो यूनिट, पांच यूनिट है, अब जीरो से जीरो पांच है पॉइंट तो पांच बटा पांच इक्वल टू वन। वन लेकिन अब आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ें बदल चुकी है, क्या बदल चुकी है जरा समझिएगा। जब आपको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी तक तो मैं आपको वो बोल रहा था जो आप जानते थे, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो विशेष ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताना है, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें कितने थे, पहले वाले में पाँच थे, इसको छोड़ दो इग्नोर करो थोड़ा सा। अब मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू कितना है, जीरो, और मैक्सिमम कितना है, पाँच है ना, बोलो जल्दी से, हाँ जी यस और नो। तो अगर मैं पूछूंगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या ये बात, नंबर ऑफ यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो मैक्सिमम कितना है जी, जल्दी से बताइए आप, बोलिए पांच फाइव 5, और मिनिमम कितना है, जीरो, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, पाँच, तो पाँच जीरो बटा पाँच कितना हो गया, वन हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। चलिए यस यस फिर सर से हम देखते हैं, कुछ लोगों को शायद हो सकता है कोई डाउट रहा हो तो देखिएगा। दो तीन चार लाइन खींच दिया, और ये 10 है, ये 10 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है, तो ज़रा बताइए मुझे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर पाँच है, फाइव और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एंड 10 है। तो एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम से आप मिनिमम को जोड़ोगे नहीं, क्या करोगे, घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे। बच्चे यही करते हैं कि जोड़ देते, ये गलत गलत बात है। ये आपको क्या करना है, मैक्सिमम से क्या करना है, मिनिमम को घटाना है, यानी 10 से आप 5 को घटाओगे और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 5 बटा 5 इक्वल टू 1, क्या ये बात समझ में आया। वन तो ये बच्चे का, बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है सर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो भी रिजल्ट आता है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट वाले केस में होता है, क्योंकि आखिरी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या था, जीरो था, लेकिन ऊपर चल के मिनिमम वैल्यू जीरो होने वाला नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से घटाते हैं और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो, जल्दी से बताइए। देखो मैं यस आप सर लोगों को सिंपल एग्ज़ाम से लेके कैट लेवल तक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ बच्चे कैट के भी हैं लाइव आज लेक्चर में, अब मुझे नहीं पता कि वो हैं या नहीं हैं, बट कुछ संडे स्पेशल वाले भी बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, बराबर ना, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि इतना मैं डिटेल में जाऊँ, ठीक है। तो बैंकिंग वाले उनका उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन मेंस का लेवल का जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मेंस लेवल का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें एकदम बहुत डिटेल में पूछा जाएगा और गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप सब लोगों को क्लियर है, यस और नो, बोलिए क्लियर है सबको। यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम यस अपॉन सर नंबर ऑफ यूनिट्स यस निकालेंगे तो आपको एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो बच्चे का ये जो मानना है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम करेंगे, ये गलतफहमी है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ यूनिट्स पाँच थे और ये जीरो था, तो मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने यूनिट है, जल्दी से बताओ जरा कितने यूनिट है, एक फोर दो तीन चार। तो मैं बोलूँगा एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप पहला से निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन कितना, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा, 1/4, तो क्या आएगा, 0.25, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत, एक यूनिट की वैल्यू समझ में आई सबको, यस और नो, ऊपर ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से। यस सर ठीक,
अगर हम इसी चीज में आप चाहो तो इस जगह पे भी चेक कर सकते हो। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अगर एक यूनिट की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। आप बोलेंगे सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है बताओ जल्दी, टू है मैक्सिमम है, और ये कितना मिनिमम है। तो मैक्सिमम कितना है टू, मिनिमम कितना है वन, अपॉन कितना नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं आप देख लो, एक दो तीन चार, चार तो कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 0.25। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइनस करना है। पहले वाले केस में तुम प्लस कर दोगे तो ठीक है, लेकिन अगले केस में ऐसा नहीं कर देना कि 2 + 1/4 कर दोगे तो 3/4 कितना हो जाएगा। हाँ भाई 0.25 होगा कभी नहीं होगा ना, तो ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, आई होप सब लोग को क्लियर है। चलिए अब मैं थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा सा और इलोंगेट, अरे थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से करने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग लेक्चर अटेंड किए वही ये सब चीज़ें समझ पाएंगे जो स्क्रीनशॉट मैंने भेजा है। वो सोचते हैं कि स्क्रीनशॉट मिल गया, पीडीएफ मिल गया, हाँ हम 30 मार्क खान हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रेजेंस इन द लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। आई होप सब लोग को क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊँ मैं, यस और नो, क्या आप तैयार हैं जवाब देने के लिए, आंसर बता। यस सर, नंबर ऑफ, ठीक है, देखता हूँ मैं कितने लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा है। मैं लाइन खींच दिया ये, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चुप रहो, 1.25, ये 0.5, यहाँ पे बच्चे लोगों के ना किडनी में अटैक आ जाता है जब उनको ये पता लगाना पड़े। और नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं चार, कितने दिए हैं, चलो 5 ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 4 लाइन खींच दिया। मुझे बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, टेल मी। 0.06। अच्छा जी, 0.5, 0.5, 0.5, तो बड़ा 0.05, 0.5, 0.5, 0.5, ये तो बड़ा सिंपल है। अगर पॉइंट नहीं होता तो 25 होता, 25 को 5 से डिवाइड करते तो 5 होता, पॉइंट आगे लगा दो 0.5। इसमें तुम्हें दिमाग तो बिल्कुल लगाना नहीं था, बट फिर भी तुम लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, बहुत अच्छे। अगर तुम 0.25 को अगर 25 ही मानोगे तो कोई तकलीफ है क्या, बताइए जल्दी से मुझे, कोई तकलीफ है नहीं है ना। अगर 25 को तुम डिवाइड करते, 25 - 0/5 तो 5 निकलता, अब 5 निकलता, एक पॉइंट लगा दो, इसमें कौन दिक्कत है। लेकिन 0.5 लगाओगे या 0.05 लगाओगे तो यहाँ पर बच्चों को हो गई तकलीफ समझे, क्योंकि देखिए क्या 0.25 को आप डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट क्या 5 दो बार में कटेगा, 5 के टेबल में दो आएगा स्टार्टिंग में, नहीं। तो जब आप 0 डालोगे तभी तो 25 पे पहुंच पाओगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ, चूंकि हम पॉइंट डाल चुके, ये ऑलरेडी पहले से ही पॉइंट है इसके अंदर, आप देख नहीं रहे हो, नहीं है भाई, ऑलरेडी पहले से ही 0.25 है ना, नहीं है क्या, बताइए जल्दी से। अगर भरोसा नहीं होता है ना बाबू, तो एक काम करो, कैलकुलेटर में डिवाइड कर लो 0.25 से डिवाइड बाय 5, तो क्या आएगा, 0.05 आएगा बाबू। और यही बात बच्चों के दिमाग में घुसता नहीं है, वो ये सोचते हैं ये 0.5 है, कैसा होगा 0.5 भाई, पॉइंट तो अपने हिसाब से आना ही आना है, लेकिन हम देख रहे हैं ये 5 दो बार में नहीं कटने वाला है, तो एक बार हमें 0 लगाना पड़ेगा तभी हम 25 की तरफ पहुंच पाए। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है आपको, और खुद ही सोच लो ना, 0.05 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तब ना होगा 5 × 5 = 25, यस और नो। और ये गलती बच्चे कर देते हैं एग्जाम में, SBI PO में क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे धराशायी हो गए, एक ही भी आंसर मैच नहीं किया, ऊपर से टेंशन में और आ गए, सर समझ में नहीं आया सर क्या हो गया, सब ठीक ही कर रहे थे, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो ऐसा मेंस में होगा, मेंस प्री में इतना आपके साथ 20-20 मैच एग्जाम में नहीं खेलने वाले, बट आई वांट यू टू बी एग्जाम रेडी, इज दैट क्लियर टू यू। हाँ, लेकिन जो भी CET लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ये UPSC लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो क्लैरिकल लेवल दे रहे हैं उनके लिए तकलीफ नहीं है, बट जो PO लेवल का दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट
इट इज़ कॉमन फॉर ऑल एग्जाम्स, देर इज नथिंग लाइक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडिंग इन, वेदर इट इज लॉ और एनीथिंग, राइट, फॉर ऑल एग्जाम्स, राइट, डी आई इज इम्पोर्टेंट। चलिए, तो आई होप सब लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ इसके अंदर रहता तो हम क्या करते हैं, 0.50 माइनस 0.25 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5, तो देखो अभी भी उतना ही आया ना, 0.25/5, 0.05, यस और नो, क्या ये बात समझ में आया, यस और नो। चलिए अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या सब टाइप हो रहा है, चलिए, और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मैंने बता ही रखा है कि आपको कैलकुलेशन में जो स्क्वायर्स और टेबल्स हैं वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, आप बताइए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी मैं लिख रहा हूँ 1.6, ये दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है, ठीक है, बोलो जल्दी से। हाँ जी बताइए, एक मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 0.08। बहुत अच्छा, 0.08, आप लोग सुधर गए हो, 0.08, नहीं तो अभी तक आप 0.8 बोलते बोलते कि नहीं बोलते, जल्दी से बोलो, नहीं 0.8 बोलते कि नहीं बोलते तुम लोग, बोलते सर, बोलते। तो वो गलत फहमी मैंने आपकी ठीक कर दी, बीमारी ठीक हो गई, छोटी बीमारी थी, खांसी सर्दी जैसी, वो ठीक कर दिया हमने, कोरोना जैसी, 0.08, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, बढ़िया, ठीक है। तो जब इस लेवल की बातें आप समझ गए हैं तो छोटी छोटी बातें तो आप आसानी से समझ जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बार ग्राफ से, और ये कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, मिक्स्ड ग्राफ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा मुझे एक बात और बताना भूल गया मैं, देखो मान लो ये दो लाइन है, एक्चुअली है तो बहुत सारा, बट ये मानता हूँ 1, 2, 3, 4 लाइन खींचा हुआ है, तो मुझे बताओ अगर ये 0 है और ये 20 है, कितने लाइन यूनिट दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट, यस और नो, 5 यूनिट है, यस और नो। अगर अगर बार ग्राफ जस्ट बीच वाले में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बार ग्राफ एग्जैक्ट बीच में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, 1। देखिए इस चीज को पता लगाने के लिए आप मुझे बताइए जो बीच में जो भी वैल्यू आएगा, थोड़ा सा मैं कलर ठीक कर देता हूँ, बीच में, वेट वेट वेट, देखो 1, 2, 3, 4 लाइन, तो बीच वाला वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला होगा क्या, देखो तो सोच समझ के जवाब देना, होगा कभी नहीं सर, नहीं होगा क्या, बीच वाला ना, थोड़ा ऊपर जाएगा, वेट रुको 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 रुको, क्या ये वाला होगा क्या, बीच वाला, इसके ऊपर वाला नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, बीच में वो नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा और आपको हवा भी नहीं लगेगा यार यह या हो क्या गया, अगर उसको चार यूनिट पर डिवाइड, देखो इस डायग्राम से तो कभी हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बीच नंबर बीच वाला है कौन, बट एक बात पक्का पता है कि देखो अगर ये एग्जैक्ट बीच में है, कहाँ पे, एग्जैक्ट बीच में, क्या ये बात समझ में आ रहा है, यस और नो, हाँ जी क्लियर है। हालांकि एग्जाम में तो आपको ग्रिड ग्रिड व्यू होगा, ग्रिड व्यू में एक एक चीज़ एकदम क्लियर दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ आपको ऐसे ऐसे करके एकदम दिया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम ग्रिड व्यू रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। एक बार वापस बोलो ना, कौन सा, ये वाला पार्ट, हाँ हाँ, मुझे बताइए जब ये चार लाइन खींचा गया है तो पांच बीच में पांच होने के लिए, इधर देखिएगा अगर मैं चार लाइन खींचू 1, 2, 3, 4 तो बीच वाला कौन सा आएगा, अगर मैं ये बीच वाला लूंगा तो इसके नीचे दो लाइन होना चाहिए, दो लाइन है तो इसके ऊपर भी तो दो ही लाइन होना चाहिए था ना, लेकिन ऊपर में तो तीन लाइन निकल गया, 1, 2 और 3, तो बीच वाला लाइन ये हो ही नहीं सकता, ये वाला नहीं हो सकता, करेक्ट, मतलब व्हाट विल इट्स मिडिल वैल्यू वी कैन नॉट से हेयर, बट द मिडिल वैल्यू विल बी लाई बिटवीन इन दिस टू, इन दोनों के बीच में, यस और नो, यस यस सर, यस और नो, ये बात आपको समझना होगा,
है ना, कि तुरंत देख करके ग्रांटेड मत ले लेना कि सर यही लाइन है और इसका वैल्यू अगर दिया रहेगा 230 तो पता चला तुमने इसको मिडिल में ले लिया, गलत बात है। यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। ये तो मैंने हाई लेवल की बात बताई है, हालांकि एग्जाम में अभी इस लेवल पे प्री लेवल पे तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं आने वाली। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, तो मिडिल वैल्यू अगर आपको निकालना हो, अगर मैं बोल रहा हूँ, सपोज ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये आप खाली लास्ट वाला बता दो, फिर उसके बाद हमें कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। खाली अच्छे से बताना, गलती मत करना। एक बात है कि मिडिल का वैल्यू आपको दिखेगा तभी जब इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस चार होंगे। तो देखो क्या ये मिडिल है, यस और नो? क्या ये मिडिल है, सोचो तो जरा। नहीं, नो सर, नहीं है। क्या ये मिडिल है, इसके ऊपर वाला मिडिल है? नो, नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडिल वैल्यू इसमें दिखाया ही नहीं गया है, लेकिन बच्चे ये सोचेंगे अरे यार है तो जरूर ढूंढ लेंगे हम। मान लो ये मिनिमम पॉइंट है, ये 0 है और ये 5 है। तो देखो 1 2 3 4 5, यस और नो बोलिए। तो अगर इसका मिडिल नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? इफ़ यू वांट अ मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर आएगा कहाँ? इन दोनों के बीच में आएगा कहीं? इस दोनों मिडिल के बीच में आएगा, यस और नो बोलो। यस। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम ऐसा करें कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन 2, तो क्या आएगा 5 माइनस 0 बाय 2, तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। एक बात हमें समझ में आ रहा है कि मिडिल नंबर जो भी आएगा तो ऊपर यहाँ से 2.5 होगा इसकी वैल्यू, और ऊपर से भी क्या होगा 2.5 होगा, 2.5। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं, एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 ऊपर होगा और 2.5 नीचे भी होगा। लेकिन ये तो आसान, पता लगाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन तकलीफ तब हो जाती है। कब तकलीफ हो जाती है? जब हमारा सपोज ये वैल्यू 5 है और यहाँ पे लिखा है 10, तो मुझे बताइए इसका मिडिल नंबर क्या आएगा? क्या हम ऐसा करेंगे जैसा मैंने बोला था, 10 माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटा क्या 2, कितना आएगा 5/2, कितना आएगा 2। लेकिन मुझे बताइए 2.5 का भी मिडिल वैल्यू हो सकता है भाई, जब 5 5 और 15 के बीच में 2.5 कैसे आएगा? खुद ही बताओ क्या ये संभव है? 5 और 10 के बीच में कभी 2.5 आता है क्या? 2.5 तो 5 से भी नीचे आएगा ना। तो मैं अगर पूछूंगा व्हाट इज द मिडिल वैल्यू, मिडिल नंबर बिटवीन 5 एंड 10, देन व्हाट विल बी द वैल्यू? इन दैट केस यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, इज दैट क्लियर? 5 में ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ बस आपको यही 5 में ऐड करना पड़ेगा ना सर। यस 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 यस, 5 में 2.5 जोड़ दो, या फिर क्योंकि एक कांस्टेंट 2.5 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी हर बार 5 जुड़ता जाएगा, बट इतना टेंशन पालने का नहीं। मैक्सिमम में मिनिमम को इस बार जोड़ना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो मिडिल नंबर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, समझे? यानी 15/2 इक्वल टू 7.5। तो अगर मैं बोलूँगा कि 7.5 कहाँ आएगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर ये 5 है ना, तो 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो 7.5 कहीं यहाँ पर आएगा। क्लियर है सबको? और फिर ये आ जाएगा कितना, ये अगर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अगर ये 7 है तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया। एकदम सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं अपन, यानी एक बात अलग सी बात हो गई कि एक यूनिट की वैल्यू अगर 2.5 है, क्या एक पॉइंट एक एक की वैल्यू 2.5 है क्या? बिल्कुल नहीं। एक की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 है। यस और नो? कि 5 से 10 के बीच में एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स 5 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा। लेकिन मिडिल वैल्यू कितना आएगा? 7.5। क्या ये बात सबको समझ में आया, यस और नो? और ये करने के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को जोड़ दीजिए, उसके नीचे वाले वैल्यू को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। क्या ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया बार ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट, यस और नो? कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं। जब आप वैल्यू ही सही नहीं लोगे तो कैलकुलेशन तो छोड़ो, बात की बात है, समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ जी, तो वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो लास्ट चीज से हम कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, तो कहा जा रहा है कि फॉलोइंग बार है, ए बी सी डी ई एफ दिया है हमारे पास, टेबुलर फॉर्म में भी है, लिटरेट टू इलिटरेट पीपल हैं और परसेंटेज ऑफ मेल लिविंग इन दोज विलेजेस। देखिए
मैं आपको कुछ आपको ट्रिक भी बताते चलूँगा। देखिए आपके पास कितने डायग्राम दिए हैं जल्दी से बताओ, कितने डायग्राम है? तो छह है डायग्राम, एक डायग्राम एक ही है। नहीं, एक डायग्राम ऊपर है और एक डायग्राम ये है, मतलब कहने का मतलब आपके पास दो डायग्राम्स हैं, मतलब एक 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 बार ग्राफ है और दूसरा टेबुलर ग्राफ है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कितने ग्राफ हैं, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, कितने ग्राफ हैं जल्दी से बताइए, कितने ग्राफ हैं बताइए जल्दी। तो ग्राफ एक ही है। अरे बाबा, हाँ मतलब इसको बोलते हैं बार ग्राफ बोलते हैं, इसको टेबुलर ग्राफ बोलते हैं। टेबल ग्राफ, यस यस, तो ग्राफ दो है, दो हुआ ना, दो है सर, ठीक है ना। लेकिन देखिए एग्जाम में क्या करना है, दो चीजें हैं कि आप चाहें तो दो ग्राफ को मर्ज कर सकते हैं और एक ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इफ आई आस्क यू विच इज द स्टैंडर्ड ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे टेबुलर ग्राफ को स्टैंडर्ड ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विच वन इज द बेसिक ग्राफ, विच वन इज द बेसिक ग्राफ, टेल मी। टेबुलर ग्राफ, टेबुलर ग्राफ इज द बेसिक ग्राफ। ये बीच से ही आया है, अभी देखते हैं कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं छोटा करता हूँ उसको। हाँ ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए मुझे बताइए कि नंबर ऑफ पीपल है लिविंग इन सिक्स विलेजेस, तो देखिए छः विलेजेस हैं और बोला जा रहा है कि उसमें मेल परसेंटेज कितना है। और अब मुझे बताओ कितने टाइप के लोग हो सकते हैं इस दुनिया में, दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। फीमेल। देखो अगर हम बात करते हैं पर्सन की, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, समझ रहे हो बात को? अब देखो कुछ मेल जो होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, लिटरेट होते हैं, क्या ये बात समझ में आ रहा है? और और दूसरे जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं? इलिटरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसी तरह से फीमेल के अंदर भी दो कैटेगरी होगा, कुछ लड़कियां जो होंगी पढ़ी लिखी होंगी या औरतें जो होंगी पढ़ी लिखी होंगी, और दूसरी कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो क्या होंगे? इलिटरेट होंगी। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलिए। हाँ जी, क्या ये बात आप, इसमें कोई तकलीफ नहीं? देखो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम माइंड को ओपन रखना, बिल्कुल मत सोचना कि सर हमने ऐसा चीज़ किया, आप स्कूल में ऑलरेडी कर चुके हो, बस इतना भरोसा रखना, ठीक है। चलिए तो मेल और फीमेल है, यानी इसको हम बोलते हैं पीपल, पीपल। अब देखिए पीपल भी होंगे तो अलग अलग विलेजेस के होंगे, यस और नो? तो मान लो विलेज ए होगा, विलेज बी होगा, विलेज सी होगा, विलेज डी होगा, विलेज ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे भी हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको पिक आप लोगों को भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए अभी देखिएगा इस टेबल को, यहाँ पर देख रहे हैं आप विलेजेस है, लिटरेट है, इलिटरेट है, परसेंटेज ऑफ। अब देखिए इस दोनों को हम लोग मर्ज कर रहे हैं एक सिंगल डायग्राम में, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंगल डायग्राम। तो सिंगल डायग्राम जरा देखिएगा कैसे सिंगल डायग्राम हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिटरेट इलिटरेट होना या मेल फीमेल होना, पहले बताइए। मेल फीमेल, मेल फीमेल होना, ठीक है। तो उसी तरह से हम फिल्टर करेंगे और चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा मैं स्लो करूँगा इस चीज़ को, और हो सकता है मुझे 30 सेकंड के लिए पॉज करना पड़ेगा, तो ठीक है, क्लियर है? देखते जाइए, ठीक है, ठीक है।
सर फर्स्ट कैंसर 36 आ रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो देखते हैं, अगर तुम्हारा बैच ख़त्म हो गया है ना तो तुमको क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा बैच ख़त्म हो गया है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, है ना, सीधी बात है। अब कुछ बच्चियां तो ऐसी हैं जो आज एडमिशन ली हैं, अब तुम बताओगे आज लेक्चर में तो उसको क्या फील होगा कि यार मैं तो गलत जगह आ गई हूँ, आई एम एट द रॉन्ग प्लेस, यही है ना। लेकिन मैं अगर कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं तो फिर बताओ तो समझ में आती है बात। चलो देखो यहाँ पे, अगर आपको बैच में बैठने के लिए परमिशन दिया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बता रहे हैं ताकि दूसरों को लगे कि यार ये क्या हो गया। चलो देखिए समझते हैं। तो देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ पे 0 से 500 दिया और 500 के बीच में है, तो ये कौन सी वैल्यू रही होगी, 500 और 1000 के बीच में? चलो आप ही बता दो जल्दी से। 750 होगा, 750। ये वाला वैल्यू 2000 है, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है। ये वैल्यू कितना है, 1500, ठीक है। फिर ये वैल्यू कितना है, अब देखो 2500 और 3000 के बीच में है तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 2750। अब ये चीज़ आसानी से पता तभी लगा जा सकता है जब इन दोनों को डिवाइड बाय टू करना था। क्या मैंने आपको ये बात बताई थी अभी कि नहीं बताई थी? नहीं तो तकलीफ हो जाती है आपको। yes, वैसे yes. तो क्योंकि आपको वैसे भी पता नहीं चल रहा ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, कि 4 यूनिट में बांटा गया कि 5 में बांटा गया, तो आपको वैसे भी पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है क्या, बताओ जरा, इससे पता चल रहा है कि 4 यूनिट में बांटा गया 5 यूनिट में बांटा गया? नहीं पता चल रहा। तो आप सीधा सीधा मुद्दे की बात है ना जी, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम प्लस इसके नीचे वाला प्लस डिवाइड बाय टू, तो 3000 में 5500 से डिवाइड करो तो 2750 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कितना, 2500। ये कितना दिख रहा है आपको, सीधा सीधा 3000। क्या इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, आई होप, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा सब लोग, थोड़ी जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मुझे। जगह ज़्यादा चाहिए तो मुझे और थोड़ा सा स्पेस लेना होगा। देखिए क्वेश्चन भले आप कर रहे हैं एक, ठीक है, लेकिन घर पे जाके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखिए मैंने भी कितने विलेजेस लिख लिए भाई, 3 विलेजेस लिख लिए, है ना, जबकि विलेजेस कितने हैं, 5 है ना, 5, यस और नो, 5 है, 6 है, अच्छा जी, यही तो मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाने में खाली इंटरेस्टेड हैं क्या, कि हाँ सर अब आप बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी ना बोलेंगे, टीचर आदमी कैसे झूठ बोलेगा, गलत बोलेगा, है कि नहीं। तो थोड़ा परसेप्शन भी रखो, मुझे तो दिख रहा है एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 होती है तो 5 कैसे होगा। अरे एफ तक है भाई, थोड़ी रीजनिंग तो पढ़े हो तुम लोग कि नहीं पढ़े हो? हाँ सर, एग्जाम ले रहे थे अब हमारे। जब एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है तो 5 विलेज कैसे होगा, थोड़ा रीजनिंग का भी हर्ट हो जाएगा अगर तुम ऐसी गलतियां करो। तो बच्चे पास हो गए जाने दो। पास तो तब हो गए जिस दिन ऑफर लेटर लेकर आओगे, ठीक है, लेके आएंगे सर, देखते हैं, ठीक, जरा समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विलेज का, तो मैं विलेज का नाम इधर ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा जगह मुझे बहुत कम पड़ने वाला है क्योंकि ये ए है, ये बी है, थोड़ा डायग्राम ख़राब हो गया, एडजस्ट कर लेना, सी डी, वैसे डायग्राम मैं अच्छा बना सकता हूँ, इसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। चलिए ए मैनेज ना, ठीक। अब देखिए मुझे बताइए विलेज के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, यस और नो बोलो। हाँ जी, तो पहले पहले तो मुझे ये पता चलना होगा कि टोटल लोग रहते कितने हैं उस विलेज में, चाहे वो मेल हो या क्या हो,
रुको मैं यार थोड़ा सा मुझे अलाउ कर दो, मैं स्केल यूज करना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्केल यूज करूँ। हाँ ये देखता हूँ, कर लो आप भी, हम लोग को याद रखेंगे। हाँ देखो स्केल अभी सही पोजीशन पे आ गया, क्योंकि टैब में पोजीशन लोकेट करना इट्स वेरी टफ, ठीक है ना? तो प्लीज एडजस्ट कर लेना तुम लोग, थोड़ा वेट करना पड़े, एडजस्ट क्या करना है, क्योंकि एक तो वैसे ही कोरोना का काल चल रहा है। हो नहीं पाएगा लगता है, हो जाएगा। देख लो भाई थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, एडजस्ट कर लेना, इसीलिए DI में ना बना बनाया मिल जाता तो ठीक रहता है। ठीक चलो काम चलाते हैं, रेडी हैं आप लोग? यस और नो? चलिए तो मुझे बताइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भैया ए विलेज में रहते कितने लोग हैं, मेरी बात समझ रहे हो? ए रुको यहाँ नहीं लिखते हैं अपन, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही जगह की कमी पड़ी है। टोटल, अब टोटल का मतलब दो चीज़ें होती है, क्या होता है मेल और फीमेल मिला के कितने लोग रहते हैं, ठीक है? यस और नो? फिर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ मेल कितना रहता है, फिर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी रहती है, फिर हम परसेंटेज ऑफ मेल में हम ये बात करेंगे कि परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल कितने हैं, समझ रहे हो? लिटरेट पढ़े लिखे मेल, ठीक है? अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ किसका, बोलो, इलिटरेट गंवार जो मेल हैं, समझ रहे हो? फिर हम बात करेंगे किसकी परसेंटेज ऑफ क्या, बोलो जल्दी से, हालांकि एक एक लाइन लिटरेट वुमन, यार ये लोग ऐसे ही खींच देता हूँ यार, थोड़ा टेढ़ा होगा, क्या होगा, थोड़ा स्लो जाएंगे अपन और क्या। देखो परसेंटेज ऑफ, देखो ये PO का क्वेश्चन दिया हूँ मैं सीधा सीधा, क्लर्क की बात ही नहीं कर रहा, एकदम सीधा 80,000 सैलरी की बात कर रहे हैं, तो 80,000 सैलरी वाले जॉब का जो रहेगा हैं उस मैथ्स की बात कर रहे हैं अपन, 40,000 वाला बात नहीं कर रहे अपन, छोटी बात करते ही नहीं है, ठीक है ना? अरे बोलो है ना? तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल और ये इलिटरेट मेल, ठीक है? लिटरेट को चाहे तो पॉजिटिव मान लो, इलिटरेट को फीमेल मान लो, ठीक है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है, अब परसेंटेज ऑफ फीमेल तो हम बात कर ही चुके हैं, परसेंटेज ऑफ क्या लिटरेट फीमेल, लिटरेट फीमेल, फिर क्या परसेंटेज ऑफ किसका इलिटरेट फीमेल, समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं, बोलो जल्दी से, यस और नो बताइए जल्दी से। हाँ जी यस और नो टेल मी, क्लियर है सबको? यस सर। यानी पहले मेल कितने हैं, इसके अंदर दोनों चीज रहेगा, लिटरेट प्लस इलिटरेट फीमेल, लिटरेट प्लस इलिटरेट, फिर लिटरेट मेल परसेंटेज। अब एक्चुअली परसेंटेज मुझे नहीं निकालना है, टोटल निकालना है ना, वैल्यू निकालना है ना, वैल्यू टोटल, टोटल वैल्यू निकालना है, किसका क्या निकालना है जल्दी से बताओ, वैल्यू निकालना है, ठीक है? चलिए तैयार हैं आप सब लोग, यस और नो जल्दी से बताइए, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना, ध्यान से देखना, देखिए क्योंकि जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड से शायद आपको दिखेगा नहीं कहीं, क्योंकि हालांकि इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी देखते जाते हैं। चलिए आपसे मुझे बताइए, पहले ए वाले में विलेज में पहले तो ये क्लियर कर लें कि कितने लोग हैं मेल फीमेल मिला के, बताइए जल्दी से कितने हैं? 750। बहुत 750। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। अब इसी के अंदर मेल होगा और इसी के अंदर फीमेल होगा, बोलो जल्दी से, यस और नो?
इसी के अंदर मेल होगा और इसी के अंदर फीमेल होगा। तो मुझे बताइए, अगर विलेज ए में अगर मेल 52% है तो फीमेल कितनी होगी? 48% बहुत बढ़िया है ना, आई होप समझ रहे हैं सब लोग। हाँ जी यस सर। चलिए अब ईमानदारी से काम करते हैं। 48 कैसे? 100% टोटल होता है ना, 100% है, मेल फीमेल दोनों होगा। अगर मेल 52 है तो फीमेल कितना होगा? 100 माइनस 52, 48%, ठीक है ना, बढ़िया। ध्यान से देखिएगा बाकी लोग। तो देखो मुझे दिख तो रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिए परसेंटेज ऑफ मेल 52 है तो फीमेल कितना आ गया? 48। चलिए अब पहले अपन क्लियर कर लें, बी में कितने लोग हैं, बी विलेज में कितने लोग रहते हैं बताइए? 2000 रहते हैं, है ना, ठीक है। अभी उसमें मेल कितना है? 65%, तो फीमेल 65. कितना होगा? 35. याद रखना 35. ये सब परसेंटेज है, ये सब वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना चीज को। पता चला 65 बोल दोगे तुम, परसेंटेज है, ठीक है। चलो अभी सी विलेज में बताओ कितने लोग हैं? 1500 बहुत अच्छे। मेल कितने हैं? 45. मेल 45 तो फीमेल कितना? 55%, 55 बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी विलेज नंबर डी का बताइए जरा ईमानदारी से। 2750 देसी स्टाइल में बात कर रहे हैं अपन, कितने हैं? 70 है ना, 70 है। तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मुझे ही खुद इतना छोटा छोटा लैपटॉप में जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो कैसे मैनेज कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। कोरोना का संहार हो तो सब ठीक हो जाएगा। 70% तो अगर 70% अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो गई? 30%। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी से बताइए। हाँ जी आती है समझ में, बोलिए। अरे बोलो ना। ओहो आवाज़ आ रही है सबको? नेटवर्क चला गया था ना, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। हाँ नेटवर्क चला गया था थोड़ा। देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया ऑप्शन डी का। ई की बात कर लेते हैं, ई फॉर इंग्लैंड। ई में कितने हैं? 39 है, यस और नो? ई में 39% लोग रहते हैं, लेकिन रहते कितने लोग हैं? 2500 लोग, 2500, यस और नो? ठीक है। देखो एग्जाम में इतना टेबल नहीं बनाना आपको, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़रूरी होता है, ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में उतनी ही चीज़ करनी है जितनी ज़रूरत है। मैं ऐसा मास्टर टेबल बना रहा हूँ जिसमें कि कोई भी चीज़ पूछ दोगे ना, मैं 15 सेकेंड के अंदर बता दूंगा आंसर इसका, समझ में आ रहा है? अगर ये मास्टर टेबल तुम एग्ज़ाम में बना लो तो फिर तो टेंशन ही ख़त्म, लेकिन मास्टर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। हाँ अगर लगे कि टाइम बना लो तो बार बार स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो स्क्रीन को बार बार देखोगे टाइम वेस्ट होता है। चलिए तो 39% अगर ये है तो ये कितना होगा? 61 हो गया, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है तुम्हारा, मैं तो क्रॉस चेक ही कर रहा था। चलो ये 75% है और कितने लोग हैं? 3000 है ना, 3000। अगर 3000 हैं और 75% है तो कितना कितना पड़ेगा? 25। हमने परसेंटेज में काम कर लिया। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझना इसको, डायग्राम मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जहाँ ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, है ना, ध्यान से देखिएगा। लिटरेट और इलिटरेट मिला के कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट, यस और नो बोलो? टोटल यूनिट कितने हैं? 5 यूनिट ए विलेज में, यस सर। तो अगर 5 यूनिट में लिटरेट 2 यूनिट हैं तो इलिटरेट कितने हैं? 3 बोलो, यस और नो?
अगर 3 यूनिट क्या यस है सर, इलिटरेट है तो 2 यूनिट लिटरेट है। इस बात का आपको ध्यान नहीं रखने वाली बात है कि रेशियो क्या है लिटरेट और इलिटरेट का 2:3 है। तो मुझे बताओ अगर लिटरेट 2:3 के रेशियो में है तो मेल और फीमेल भी 2:3 के रेशियो में होगा, ये ज़रूरी है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो हम पहले से ही बात कर चुके हैं कि रेशियो मेल और फीमेल का क्या है। तो देखिए इसी चीज़ को हम ध्यान से देखिएगा, ज़रा समझिएगा। अगर परसेंटेज ऑफ फीमेल, फीमेल कितना हुआ बोलो, 48% यस और नो, ये 35%। अब जरा मुझे बताना, मुझे तो विलेज ए में लोग कितने थे जल्दी से बताइए आप। तो आप बोलेंगे सर 750 लोग, 750 ठीक। अब 750 थे, ठीक है, चलो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो। अगर मैं आपसे बोलूँगा, आपको रेशियो तो पता चल गया ना लिटरेट और इलिटरेट का क्या है। अगर मैं पूछूँगा कि विलेज ए में, मैं आपसे पूछता हूँ जरा ध्यान से देखिए, विलेज ए में लिटरेट लिटरेट मेल कितने रहते हैं, मैंने क्या पूछा आपसे जल्दी से बोलो, विलेज ए में लिटरेट मेल कितने रहते हैं, इलिटरेट नहीं पूछा, क्या पूछा, लिटरेट मेल। लेकिन मुझे बता लिटरेट का रेशियो कितना है, 2 आउट ऑफ कितना, 5, यस और नो बोलो, क्लियर है ना। हमने लिटरेट का रेशियो निकाल दिया आउट ऑफ टोटल लिटरेट प्लस इलिटरेट में, यस और नो। उसके यस बाद मेल पूछा था तो 52%, 52% ऑफ कितना, कितने लोग हैं, 750, 750 बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका काम खत्म, पार्टी इज ओवर, खत्म। क्लियर है सबको, यस और नो, क्लियर है कि नहीं सबको? लेकिन यही चीज मैं पूछता, टेल मी इलिटरेट फीमेल, तो आप क्या जवाब देते इसका? लिटरेट में तो 2/5 रहता ही रहता है ना, लिटरेट का रेशियो कितना है आउट ऑफ टोटल में, 2/5, 2/2+3 इंटू, लेकिन फीमेल अगर होता तो 2/5 इंटू कितना, 48%, 48% ऑफ कितना, टोटल कितना है, 750। बस ये बात समझ गए तो टेंशन खत्म, क्लियर है सबको? अरे बोलो जल्दी से, यस सर, चलिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज टूटेगा तो क्या आएगा, 100 नीचे आ जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे 50 दो बार में, 50 कितने बार में बोलो, बोलो बोलो, 15 बार में, ये सुनो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 2 कट गया, 5 30 बार में कट गया, 48 को 30 से कर दिया, 8 3 24, 2 4 3 12 2 14, 144, 144, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इलिटरेट फीमेल कितने हैं, तो 144 है, समझ में आया बात को कि नहीं, यस और नो बोलो जल्दी से, सर। आप कहीं चले गए थे क्या, मैंने बोला देखिए, नो सर, वो 5 पूछा, ये देखो 2+3 का वैल्यू कितना होता है, 5, 11+9 का वैल्यू जोड़ो जोड़ो जोड़ो, दोनों को जोड़ो कितना है, 20, 13+2 कितना आया, 15, जोड़ो ना, 15, 4+1 कितना हो गया, 5, 1+2 क्या, 4, 11+19 फोर, कितना हो गया, 20 30 आ गया। तो मिस्टेक, अगर मैं बोलूँगा लिटरेट का वैल्यू कितना है तो 2/5, इलिटरेट का वैल्यू कितना है तो 3/5, इसमें लिटरेट पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 11/20, इलिटरेट बोलूँगा तो क्या है, 19/20। अब मेल निकालना है तो 52% ले लो, फीमेल निकालना है तो 48% निकालो, खत्म कहानी, और आउट ऑफ टोटल कर दो, ठीक है, क्लियर है सबको कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि चीज़ आप समझ लो। अब मैं वो लिटरेट मेल की बात करूँगा, तो लिटरेट मेल में कितना है, रेशियो तो मैं लिख ही चुका था अभी, कितना है बोलो, लिटरेट मेल क्लियर हो गया नहीं, 2/5, 48%, 750, यस और नो बोलो, यस और नो। लिटरेट लिटरेट मेल का वैल्यू निकालना, अगर मैं पूछूंगा सिर्फ लिटरेट मेल चाहिए मुझे, तो आप बोलोगे सर 2/5 इंटू, अब मेल है तो कितना परसेंट, 52% ऑफ कितना, 52% ऑफ कितना, 750। 750 अगर फीमेल पूछता तो क्या, लेकिन इलिटरेट पूछता तो, इलिटरेट पूछता तो फीमेल पे जाते, 3/5, फीमेल पे जाते 3/5 है ना, तो फीमेल पे जाते, लेकिन
इलिटरेट, तो इलिटरेट में कितना था, 3/5 था, 3/5। लेकिन फीमेल पूछ लिया तो क्या करेंगे, फीमेल वाले एरिया में जाएंगे, 48% ऑफ कितना, 750। क्लियर है सबको कि नहीं है, बोलो यस और नो। ठीक है, उसी तरह से ये परसेंटेज नहीं, ये वैल्यू की बात करनी है अपने को, ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू, क्या मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया सबको, क्वेश्चन पे चले, यस और नो। हाँ जी, क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चल नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोग तैयार हो सब लोग, यस और नो? यस सर। इसका स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ मैं, और फिर सीधा सीधा आपको चाहे तो आप मोबाइल में कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे खाली इतना बता देना कि सर करना क्या है, किसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर मैं आपसे आगे की बात करूँगा। ठीक है, ठीक है ना, यस और नो? चलिए, तैयार हैं सब लोग? चलिए, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इलिटरेट फीमेल ऑफ विलेज डी, इलिटरेट फीमेल ऑफ विलेज डी, क्या लिखूं, बोलो बोलो। 40 आएगा आराम से। चलो एक एक करके बोलो, स्लो, गो स्लो, स्पीड ब्रेक करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो बोलो क्या लिखूं मैं, 1/5 × 30%। इलिटरेट बोला है मैंने, बहुत अच्छा, 1/5, वेरी गुड। नेक्स्ट इनटू 30% फीमेल बोला है मैंने, तो डी का है 30%। हाँ, वेरी गुड, 30% ऑफ 2750। बहुत अच्छा, पास कर गया, बच्चे लोग पास हो गए, आप लोग वेरी नाइस। कोई तकलीफ हुई किसी को, कोई तकलीफ, यस और नो? नो सर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इतना ये तो सिंपल बात कर दी, इसी में पूछेंगे, दो लोगों को जोड़ के पूछेंगे, दो लोगों का एवरेज निकालने बोलेंगे, कभी रेशियो निकालने बोलेंगे। जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल ऑफ विलेज बी बाय टू इलिटरेट फीमेल ऑफ विलेज डी, इसकी वैल्यू आप निकालोगे और फिर इसकी वैल्यू निकालोगे, है ना। बोलो विलेज बी का बताओ, लिटरेट मेल, लिटरेट मेल की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए। 11/20 एक एक करके बोलो, एक एक करके, 11/20 अच्छा, इनटू 65% इनटू मेल है तो 65, वेरी गुड, ऑफ 2000 वेरी गुड। तो मैं आपको रिकमेंड को, जब रेशियो दिया जाए ना तो आप क्या करना, दोनों की वैल्यू निकालना मत, बाद में हो सकता है बहुत चीज़ें कट जाए, ठीक है ना। आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम चीज़ों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए अभी यहाँ मुझे मिटाना पड़ेगा और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे हम सॉल्व करेंगे। अब मैं सब मिटा रहा हूँ, अब आप एक सेकंड, ये क्या मिट गया, हाँ तैयार हैं आप लोग, बोलिए। यस सर। एक सेकंड, चलिए जब डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हम पूछ लेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि इफ 40% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज बी इज लिटरेट, क्या कह रहा है बताइए जल्दी से, 40% ऑफ फीमेल, क्या बोल रहा है, 40% ऑफ फीमेल कौन से जगह से, जल्दी से बताइए, बी से। बी क्या दिया है,
लिटरेट दिया है, ठीक है ना? बोलो, 40% ऑफ फीमेल बी इज लिटरेट, यस और नो? क्लियर है, बराबर ना? अरे बोलो, यस और नो? ऐसा लिखा था मैंने, लिख दिया। यस सर। तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज। तो आपसे पूछे है परसेंटेज ऑफ मेल जो क्या है, इलिटरेट है, कहाँ से? आप देख रहे हो मेरे घर लिखने का तरीका, देख रहे हो मैं लंबे से लाइन को कैसे सिंगल लाइन सिंगल वर्ड्स में लिखता हूँ, देख रहे हो ना सब लोग? यस और नो? बोलिए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए जल्दी से। यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसमें कितनी बात दी गई है। तो मुझे बताइए, एक एक करके बात कर लें, कि पहले तो ये बता दीजिए भाई साहब कि विलेज बी में इलिटरेट लोग हैं कितने, विलेज बी में इलिटरेट लोग कितने हैं, बताइए जल्दी से, निकालो जरा। 11%। देखिए समझिएगा ध्यान से, 9/20। हाँ बोलो बोलो। 9/20। 9/20 स्टार्ट करते हैं, मैं बारी बारी से एक एक करके समझते हैं, है ना? मुझे बताओ आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज की है, मेल की है ना? किसकी रिक्वायरमेंट है मुझे बताओ, अब थोड़ा हम लोग स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट किस चीज की है आपकी, बताइए जल्दी से, मेल की या फीमेल की? मेल। मेल की, ठीक। चलो तो एक एक करके समझते हैं, इलिटरेट की बात करते हैं हम लोग। अभी तक बी विलेज से इलिटरेट आपको दिखते कितने हैं, जरा मुझे बताइए तो, बोलो। बी विलेज से इलिटरेट इलिटरेट फील्ड में कितने दिख रहे? इसमें डायग्राम, अगर आप डायग्राम में, वेट 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 हाँ बा, अगर ये मेल 52 है तो ये 48 है, ये 35 है, ये 55 है, यस और नो? ये 30 है, ये 61 और ये 25 है। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि सामने वाला फोर्स कर रहा है कि आप इस डेटा को यूज ना करो, समझ में आ रहा है? वो अलग ही डेटा दे रहे हैं, दे आर गिविंग ए सेपरेट डेटा। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? ये बात आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे बताइए इलिटरेट फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताइए, चलो इससे पूछने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बात और बता दूं, अच्छी बात है, क्योंकि पीओ लेवल का क्वेश्चन है, ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन है, क्लर्क रहता तो इतना लंबा नहीं रहता। 40% अगर इलिटरेट है, एकदम आराम से चलेंगे ना, देन इलिटरेट कितने होंगे बताइए? 60%। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, विलेज बी की? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ भी बी विलेज की बात की गई है और पूछा भी बी विलेज का ही है। आगे चल के तो और भी चीजें रहेंगी कि आपसे बी दिया रहेगा, आपसे सी पूछ लेंगे, हो सकता है, लेकिन इतना लंबा नहीं देंगे अभी, तो आप समझिएगा। 40% अगर लिटरेट है फीमेल, तो इलिटरेट फीमेल कितनी हुई? 60%। यस और नो? 60% होंगी, यस और नो? तो मुझे बताइए वैल्यू टोटल कितना आएगा, टोटल हैं कितने बी में, बताओ जल्दी से, हैं कितने बताइए, वैल्यू देखो। 2000 है सर। 2000 है, है ना? ठीक है, 2000 है, बोलो, है ना? 2000, यस और नो? अरे बोलो, 2000 ना, वैल्यू कितना है? 2000, यस सर। हाँ सर, 2000 है। तो 60% ऑफ कितना? अब रेशियो में हम बात कर लेते हैं, बी में हम रेशियो की बात करेंगे, इलिटरेट का रेशियो कितना है? 9/20, यस और नो? 9/20 ऑफ कितना? 2000, यस और नो? बोलो। हाँ जी,
कोई दिक्कत है yes. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो तरह की बातें हैं, ये बात मैं यहाँ पे अभी छोड़ा हूँ थोड़ा सा, ये इलिटरेट फीमेल की बात कर रहा है, मैं सिर्फ टोटल फीमेल की बात कर रहा हूँ। टोटल फीमेल और इलिटरेट फीमेल में दोनों का फ़र्क है, तो मैं ये टोटल की बात कर रहा हूँ। तो जरा सॉल्व करो इसको, कितना आता है 60% का मतलब क्या हो गया, 60/100 इंटू 9/20 इंटू कितना 2000। अभी देखो ये तो सीधा कट गया, कट गया ना सारा, कितना आया बोलो, ये 2000 540 आया सर। 9/20 रुको 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 रुको, एक वेट, रेशियो में नहीं करो इसको, रेशियो में अभी मत डालो इसको, ये रेशियो हम बाद में निकालेंगे, टोटल वैल्यू निकालो। 9 रेशियो में बात करो, 9/20 इंटू 2000 कितना आया, वैल्यू में बात कर रहे हैं अपन, कितना आया बोलो, कितनी बार में कट जाएगा ये, 100 बार में कट जाएगा, 900 900 आ गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से, इसमें कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी कोई तकलीफ है नहीं, नहीं है ना, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया था किसका, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 60% ऑफ बी का वैल्यू इन्होंने शायद इसमें मेंशन किया है, नहीं, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ इसमें एक पॉइंट शायद भूल गया, छोड़ दिया क्या इन्होंने, मुझे लग रहा है इसमें कुछ डेटा मिसिंग है, इसमें टोटल वैल्यू नहीं देंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ बी का देंगे, इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे टोटल देना चाहिए, इफ द इलिटरेट इज़ वैल्यू, कुछ तो होगा, देखो तो जरा कुछ वैल्यू मिसिंग है क्या, मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू मिसिंग है, वेट वन सेकेंड, इसमें इनको बताना पड़ेगा, सेपरेटली डेटा देना पड़ेगा, रुको देखने दो मुझे, मिसिंग है इसमें 700, इलिटरेट फीमेल विलेज बी का देना चाहिए उनको, कितना 700, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू मिसिंग है आपका, समझ आ रहा है, क्योंकि 2000 तो इलिटरेट का हो गया, तो 700 ये वैल्यू मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेंशन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में इन्होंने लिखा नहीं है, कितना लिखना पड़ेगा, इफ़ द टोटल इलिटरेट इज़ कितना 700, इसमें एक 700 इसमें इन्होंने मिसिंग छोड़ दिया, कि थोड़ा ये लोग टाइपिंग में भी आगे पीछे कर देते हैं। तो 60% ऑफ कितना आ गया इलिटरेट 700, तो कितना आया बताओ जरा, इलिटरेट 40% है, तो इलिटरेट कितना हो गया, मतलब पढ़े लिखे लोग अगर 40% हैं तो गंवार लोग कितने हैं, 60% ऑफ 700, तो कितना आ गया 420, क्लियर है सबको, यस और नो बोलो, ये वैल्यू दिया हुआ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर टोटल होता क्या है, मेल प्लस फीमेल होता है कि नहीं, जल्दी से बताओ बोलो, टोटल कितना होता है, मेल और फीमेल होता है या नहीं होता है, बताओ यस और नो। अब मैं फीमेल के दो कैटेगरी निकाल लिया, लिटरेट भी निकाल लिया और इलिटरेट भी निकाल लिया, यस और नो। तो अगर मैं टोटल से फीमेल को घटा दूं तो निकलेगा क्या, मेल निकलेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ, एकदम बेसिक स्टाइल में बात कर रहे हैं। फीमेल के अंदर दो ही टाइप के लोग हो सकते हैं, लिटरेट मेल और फीमेल। तो मुझे बताओ टोटल से अगर मैं फीमेल को घटा दूंगा तो मुझे टोटल मेल निकलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो जल्दी से बताओ, बोलो निकलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इनको घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 900 से हमने क्या कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया कि लिटरेट और इलिटरेट का डिफरेंस कितना निकला हमारा, इलिटरेट का, तो 900 माइनस क्या 420, कितना आएगा बताओ, 480। लेकिन मेल कितना परसेंटेज है बी में, 65% है ना, मेल कितना है 65%, यस और नो बोलो, मेल कितना परसेंट है 65%, टोटल कितने लोग हैं 2000 लोग हैं, यस और नो, फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा, टोटल मेल कितने हैं 2000 लोग हैं, 2000 में से कितना 65%, तो 65 × 2 कितना होता है 130, तो 130 पे दो एक जीरो और चिपका दो तो कितना आ गया 1300, ये बात क्लियर है, यस और नो। तो अब देखो जब ये मेल निकला, क्या निकला, मेल निकला, मेरी बात समझ रहे हो, ये जो हम निकाले हैं ये क्या निकला है, ये बताओ, मेल तो निकला है लेकिन कैसा मेल निकला है, इलिटरेट मेल निकला है, कैसा निकला है, इलिटरेट मेल, ठीक है, क्या निकला है, इलिटरेट मेल। चलो
अभी मेल हमारा निकल गया और टोटल मेल हमारा 1300 था, उसमें से इलिटरेट मेरा 480 है, तो लिटरेट कितना होगा जल्दी से बताओ, घटाएंगे यस और नो, या फिर हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं, परसेंटेज पूछा है ना, इलिटरेट परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज क्या होता है भाई बताओ, 480 अपॉन 1300 इंटू क्या, बोलो आवाज़ आ रही है सबको, बोला करो ना भाई, इसे लगता है नेटवर्क चला गया, 480 अपॉन 1300 इंटू कितना 100, तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो 13 थ्री जा कितना होता है 39, तो बचेगा कितना 9 बचेगा, 13 सिक्स जा 78, 36 लगभग 36, और 2 बच जाएगा तो तुम्हारा ये हो गया 299, 39 जब 117, ठीक, तो 0.9% के आसपास, लगभग 37% आप बोल सकते हो, लगभग 37% आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, तो जरा समझिएगा, मैं आपको इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक डेटा नहीं देने के वजह से यहाँ मिस्टेक हुआ है, इनको एक डेटा देना चाहिए था, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो इसका, ये वाला करो, फिर दो तीन क्वेश्चन इसका कर लोगे, फिर ऊपर की चीज़ें समझ में आ जाएगी, चलिए बताइए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेजेस टुगेदर, बताइए, लिटरेट पीपल का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओगे, लिटरेट पीपल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पीपल, मेल फीमेल दोनों ना, यस और नो, तो ये क्वेश्चन yes. ये क्वेश्चन आसान है या टफ है बताओ, मतलब लेंदी है कैलकुलेशन या सिंपल है, बोलो सिंपल है यस और नो, हाँ जी yes, तो अब देखो यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया और यहाँ एफ लिख दिया, ठीक है, अब ओवरऑल परसेंटेज बोल रहा है तो हमें टोटल वैल्यूज निकालनी होगी, तो मुझे बताइए यहाँ पे देखिए ए का लिटरेट की बात करेंगे तो क्या आएगा 2/5 यस और नो, बोलो, और टोटल ए के कितने लोग हैं, ए में कितने लोग हैं 750, 750, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ है, ठीक है इसको सॉल्व कर लो, कितनी बार में कटेगा 15 बार में, कितना आ गया 300, चलो बी का निकाल, बी का कैसे निकालोगे याद रखना, किसकी बात कर रहे हैं वो, लिटरेट की बात कर रहे हैं, लिटरेट की है ना, लिटरेट की बात करो, चलिए बताइए लिटरेट में इसमें क्या करेंगे, आप ही लोग बता दो जल्दी से बताइए, बोलिए 11 upon 20 into 2000, आपको पता है ये आसानी से आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने पर्सन बोला है, अगर लिटरेट मेल बोलता ना तो हम लोग 52% भी जोड़ देते इसके अंदर, समझे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, लेकिन इन्होंने लिटरेट पर्सन बोल दिया तो हमें मेल फीमेल दोनों ले लेना है, ठीक है कि नहीं, मेल फीमेल दोनों ले लेना है, समझ में आ रही है बात, ये सुनो, चलो सॉल्व करो कितना आएगा, ये तो सीधा सीधा 100 लग रहा है, 1100, बोलो कोई तकलीफ, सी का बताइए, सी का बताइए, बोलो 13 by 15 into 1500 कितना कितना है टोटल, कितना है सी का, 1500 आप लोग लिखे हो क्योंकि आपके पास नोटबुक है, मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नोटबुक पे तो तुरंत देख सकते हो ना, ठीक, नेक्स्ट डी नंबर, चलिए डी में क्या करना है, लिटरेट का 4/5 टोटल कितना है जल्दी से बताइए, बोलिए ऑप्शन डी में कितने लोग हैं, 2750 था क्या, हाँ 2750, 275 पिछले बार याद था मुझे 2750, क्योंकि बोला था ना आप लोगों ने 2750, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 है ना, और कर दो 55 का डबल 110, 110 का डबल 220, 220, ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, ऑप्शन ई की बात कर रहे हैं, आई मीन ई में कितने लोग हैं जरा सा बताइए ईमानदारी से, और पहले बताइए ई के लिए क्या करेंगे, 1/4 करना है क्या,
बताइए, यस 1/4 कितना हो गया टोटल? 2000 हो गया। बढ़िया, तो ये तो सीधा सीधा आपको 500 नज़र आ रहा है, यस इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, आगे की बात करते हैं, एफ़ की बात कर लेते हैं। एफ़ की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बोलो? 11/30 11/30 और टोटल कितना था? 3000 देखो कटने वाला चीज़ ही दिया है इसने ताकि फटाफट कट जाए। बाद में चल के मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इतना चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कितना आ गया? 30000 और ये 300 होगा ना जी, 100 होगा ना, तो 1100 आ गया है ना। यस और नो बोलो जल्दी से, क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है, हाँ जी यस और नो। तो अभी तक हम देखेंगे इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, तो इसको जोड़िए सब कितना हुआ। तो पहले अपन बात कर लेंगे टोटल लिटरेट पीपल कितने हैं। पीपल बोला है, मेल फीमेल दोनों जोड़ो इसको कितना आता है। ये कितना 6350 कितना आ रहा है सर? ये 6500 सर। 6350 ई तो 6500 सर। देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया होना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ। सी का, सी में 1300 ठीक है। और किसी में कुछ गड़बड़ी? 1/4 ई का वैल्यू जो टोटल नंबर है वो 2500 है शायद। वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2500 है ना, ये लोग क्या क्या बुलवाए हैं मेरे यहाँ से। देखो ई का देखो ना डायग्राम, 2500 2000 क्यों लिखवा रहे हो मुझे, है ना 2000 है ना, 2500 है ना, है ना? Yes. अरे नहीं दिख रहा है क्या, सो गए हो क्या? देखो ना गड़बड़ yes, क्यों sir. कर रहे हो। ऐसी गलतियां तो टॉलरेट ही नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2500 है तो यहाँ पे चेंजेस करने होंगे हमें। 2500 ठीक है ना, तो इसको काटो जरा, ठीक करो। 225 बार में कट जाएगा ये, 225 है ना, 225 बार में कट जाएगा ये। 225 का डबल क्या, 625 625। हाँ 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 वही वही उल्टा कर लिया, ठीक है। कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा है ना, 625। हाँ 625, तो कितना आ गया? 62। अब जोड़ो जरा सबको कितना आता है? 5375। गड़बड़ सर, 6625 बिल्कुल सही है। अब देखो ये सही है या नहीं है वो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ टोटल पर्सन कितने हैं? टोटल पर्सन 6 विलेज में टोटल परसेंट कितने थे? तो ए में कितना परसेंट था बताओ जरा, 750। बी में कितना परसेंट था? तो बोलेंगे सर 2000 था। सी में कितना परसेंट था? तो बोलेंगे 1500 था। डी में कितना परसेंट था? परसेंट मतलब मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है। डी में कितना था जी? 2750 था। जोड़ो जरा कितना आता है? ई को जोड़ो 2500, एफ को जोड़ो 3000, ठीक है ना। जोड़िए सबको कितना आता है? 11,500 11,500 गलत है, 11,500 नहीं है, 12,500 आएगा। चेक करो, ठीक से चेक करो। 2750 1529 12,500 ठीक, 12,500। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि ये जो लिटरेट पीपल हैं वो टोटल पीपल के कितने परसेंटेज हैं। तो परसेंटेज क्या आएगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आएगा? 6625 upon 1250 इंटू कितना? 100। क्लियर है सबको बोलो? क्लियर है कि नहीं? इसको सॉल्व करो, 201 में काट दो इसको। अब चाहो तो इसको तो 25 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं करता तो 5 से काट लो, 25 5 12 बार में काटोगे, 5 13 बार में भी काट सकते हो, 13 5 65 1
पाँच दूनी दस, दो पच्चीस पच्चीस, फिर पच्चीस को काट सकते हो। हाँ तो पच्चीस पच्चीस, मैं एकदम बच्चे की तरह कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चों का अटैक ना आ जाए, बोले सर आप फटाक से कैसे काट दिए। पच्चीस पच्चीस, पाँच दूनी दस, तीन पाँच छक तीस, दो पच्चीस पच्चीस, अब देखो पाँच पच्चीस पच्चीस, एक पाँच तेरह पंद्रह, तो कितना परसेंट आ गया? 53% और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया 53% इसका आंसर है। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फटाफट कैसे चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ आना चाहिए। चलिए अब आपको मैं इसका टेक्निक बताना हूँ। तैयार हैं आप लोग सब लोग दिव्य दृष्टि के लिए? ये तो बेसिक मेथड था ना, इसमें तो पढ़ पड़े कौन खटपिट खटपिट कर रहा है, म्यूट करो अपने आप को। चलिए ध्यान से देखिएगा, रेडी हैं आप लोग? अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर बेकार है मामला। yes, इतना फालतूगिरी करेंगे तो पास कैसे करेंगे। ये तो मैं इसलिए बता रहा था कि मैं जहाँ ट्रिक बोलूँगा तुम लोग बोलोगे सर ऊपर से गया, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग तो एडवांस लेवल के हो गए हो, है ना। चलिए रेडी हैं आप लोग? मुझे बताओ लिटरेट प्लस इलिटरेट मिला के कितना यूनिट है? पाँच यूनिट। अभी आ जाओ, क्योंकि इस आज के क्लास में एक नया स्टूडेंट था ना, इसीलिए मैं सोचा कि नहीं भाई पूरा इज्जत मिलना चाहिए फर्स्ट नए स्टूडेंट को, है कि नहीं? नहीं तो यूनिट यूनिट क्या चल रहा है बच्चे को आवा नहीं लगता। यस और लो, हाँ भाई अगर तुम्हारा पहला लेक्चर और यूनिट यूनिट देखे तो सर बोले सर हमारे साथ तो गलत हो रहा है, ये यूनिट यूनिट हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। बट ठीक है चलो, अब थोड़ा ईमानदार बनो और जल्दी से तेज तरार काम करो। तैयार हो ना? यस और नो बोलो अटैक के लिए। चलिए लिटरेट पीपल की बात की गई है, यस और नो? ठीक है, अरे बोलो ना बाबू जल्दी से, लिटरेट की बात कर रहे हैं। यस सर। अब चूंकि टोटल लोग होते हैं पीपल, तो पहले तो पीपल तो लिटरेट और फीमेल दोनों होते हैं ना, तो मुझे बताओ पांच यूनिट मिला के, पांच यूनिट मिला के ए में कितने 750 लोग पर्सन, अरे बोलो ना बाबू मेल फीमेल, तो yes, तो लिटरेट कितना यूनिट है? दो यूनिट है ना, तो एक पांच यूनिट 750, तो एक यूनिट 150, तो दो यूनिट कितना 300। यस और नो? यानी ए का लिटरेट हो गया कितना 300। नेक्स्ट अब देखो 11 और 20 यूनिट कितने के बराबर है 2000 के, तो एक यूनिट कितने के बराबर 100 के बराबर, तो लिटरेट कितना हो गया 1100। यस और नो? नहीं समझ? yes. अब आ रहा है मजा आ रहा है? यस और नो? 15 यूनिट 1500 के बराबर, तो एक यूनिट 100 के बराबर, तो 13 यूनिट कितने के बराबर हो गया 1300। चलो अभी हम सिर्फ लिटरेट की बात कर रहे हैं और हमें लिटरेट ही चाहिए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। डी का लिटरेट की बात करते, देखो पाँच यूनिट कितने के बराबर है 2750 बोलो, पाँच यूनिट है ना, पाँच यूनिट 2750 के बराबर, तो एक यूनिट 225, देखो पाँच यूनिट 2750 है, पचे पच्चीस, दो पचे पच्चीस, पचपन साढ़े पाँच सौ है ना, पचपन, अरे बोलो ना बाबू, ये सुनो 550 550 है ना, 550, कोई तकलीफ है तो बताओ। यस सर। और हमारा आया भी था इसमें वैल्यू, कोई खराबी नहीं है। हालांकि ये बात मैं पहले बोलता ना तो शायद तुम वो कुछ समझ में आता नहीं आता, लेकिन पहले मैं प्रोसेस से जा रहा था। अब दिव्य दृष्टि, चार यूनिट कितने के बराबर 2500 के बराबर, तो एक यूनिट कितने के बराबर 625 के बराबर है ना, तो एक यूनिट ही चाहिए तो 625 आएगा। यस सर। यस एक ही यूनिट चाहिए ना। चलो ये कितना हो गया 30 यूनिट 3000 के बराबर, तो एक यूनिट कितने के बराबर 100 के बराबर, तो 11 यूनिट कितने के बराबर 1100 के बराबर। सर डी वाला 2200 है ना, 550 नहीं है ये वाला, डी वाला। एक सेकंड रुको, मैंने चेक किया नहीं, चार यूनिट है। अच्छा 4:1 है, ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ, मुझे 1:4 जैसा लगा, कोई बात नहीं ठीक कर लो इसको। लेकिन 550 नहीं आ रहा था क्या? हाँ 2200 आ रहा है सर, 550 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। एक क्यों? का यूनिट है ना 5। हाँ तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ डी के वैल्यू आई थी कितनी, आया था ना 2200। एक्चुअली मैंने एक यूनिट ले लिया, चार सर unit. आपने एक यूनिट का लिया। हाँ हाँ एक्चुअली मैंने गलती से नीचे वाला ले लिया था, वो थोड़ा ध्यान से छोटा दिख रहा है ना, तो
आपको पता ना 5 यूनिट कितने के बराबर है, 2750। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट के 550, तो 4 यूनिट कितने के बराबर, तो 4 यूनिट कितने, 4 यूनिट कितने 2200 के बराबर, 2200। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं अलग अलग से लिखूँ 5550 इंटू 4, तो ये तो एम्बेरसिंग बातें हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना, ये कितना है 30 यूनिट, और 30 यूनिट कितने के बराबर है 3000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो 11 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 1100 के बराबर। 1100। देखो चलिए, अब एग्जाम में ऐसा आता ना तो क्या करते आप, फटाफट ये वाला लिखते और जोड़ देते, नहीं समझे बात को, ठीक है। अब चलो इसको डायरेक्ट जोड़ना है, तो अब आप लोग तैयार हैं जोड़ने के लिए 3 सेकंड के अंदर या 5 सेकंड में तैयार हैं, यस और नो, जल्दी से बोलो। देखो ये कितना, ये बताओ कितना है, 550 कितना है, ये 750, ये सुनो 750 है, ये कितना yes, है 2000 है, ये कितना 1500, ये कितना है बोलो बोलो 2750, ये 2500, और ये कितना है 3000, राइट ना। आप क्या करो, पहले इसको जोड़ने का एक टेक्निक मैं बताता हूँ। पहले क्या करो, ये जो डबल फिगर लास्ट में जिसका जिसका डबल जीरो है ना, उसको जोड़ो पहले, आप समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, टेक्निक बता रहा हूँ मैं, जल्दी से इसको जोड़ो कि, और जिसमें लास्ट में 50 उसको छेड़ना मत, पहले डबल जीरो वाला का निपटा लो। तो डबल जीरो को तुम इग्नोर करोगे तो कितना बचेगा, 30 प्लस 25 55 55 55 प्लस 15, कितना बोलो, 55 प्लस 15 70 70 प्लस 20 90 90। दो जीरो और चिपका दो। अब देखो ये 2750 में अगर मैं 50 डाल दूंगा तो ये 2800 हो जाएगा, यस और नो। अरे सर, इसी दोनों को जोड़ना है ना, अब तो 2750 में 50 को मैं जोड़ दूंगा तो 2800 हो जाएगा, और 28 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 35, यस और नो 35। देखो आ गया ना 12500, यस और नो। और इसको आप जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सब डबल जीरो वाले हैं ना, तो सीधा सीधा जोड़ो 11 प्लस 13 कितना, 11 3 14 14 3 17 10 27 27 2 29 29 और 20 49 49। इसको छोड़ना मत, 49 प्लस 1 50 50 प्लस 1 50 प्लस 10 60, यानी 6000 इधर आ गया, और बाद में 625 चिपका दो, यस और नो, यस। तो yes, मतलब टेक्निक हर जगह पर टेक्निक की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, नहीं तो आप कैसे एक एक यूनिट करते रहोगे तो फिर मामला हो जाएगा खराब। अब फिर क्या करना है, 6625 अपॉन 1250 इंटू कितना 100, इसको काट लो। अब इसको तो काटना तुमको आता ही है, 53% से कट जाएगा ये, ठीक है ना, क्लियर हुआ सबको। तो अब यूनिट की बात, भाषा समझ में आई कि नहीं आई, आगे से हम लोग यूनिट पे काम करेंगे। सर कर दीजिए ना सर। हाँ क्या, वापस एक बार वो आपने जो कैलकुलेशन किया है वो प्लीज। सर वॉइस ब्रेक, देखो भाई वॉइस तो ब्रेक हो नहीं रहा है, और किसी को हो रहा है क्या वॉइस ब्रेक? नहीं सर। क्योंकि देखो भाई हम कुछ अपना डिवाइसेस को हाथ लगाएंगे, घर पे बहुत मुश्किल से सेटअप किया है, मैं ही जानता हूँ कितनी तकलीफें झेलते हूँ मैं बच्चों लोगों को दूर रख करके, ठीक है। चलिए तो समझ में आया ना 7625, ये कैसे किया आप देखो, जिसमें लास्ट का 2 डिजिट है, डबल जीरो है, तो डबल जीरो वाले को पहले निपटाओ, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो सबको। यहाँ देखो डबल जीरो इसमें था, डबल जीरो इसमें था, डबल जीरो लास्ट में इसमें है, डबल जीरो इसमें है, फिर डबल 625 को छोड़ दो। अब तुम्हारे पास एक सिर्फ 3 बचता है, क्या बचता है 3, तो पहले तुम डबल जीरो लिख लो, अब फिर स्टार्टिंग के 2 डिजिट को जोड़ो, 11 और 13 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 10 27 27 प्लस 2 29 29 प्लस 20 49 49 प्लस 1 50 50 प्लस 10 60, यानी 60 लिख दो, और बाद में 625 चिपका दो, आ गया 7625। क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है, यस सर, ठीक है ना। अब देखो कुछ बच्चे तो इतने नालायक होते हैं कि उनको अगर ये बोल दो ना, अब देखो तुमको पता है ये 12500 है, तो 125 के टर्म में कट सकता है या नहीं कट सकता, देखो 25 इंटू अगर मैं 5 से काटूंगा तो 625 हो जाएगा, और जैसे 625 करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, जरा बताओ तो मुझे,
नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? देखो 25 इंटू 5 कितना होता है? 625। ये तो उनको पता चलेगा जो दिमाग के बहुत तेज़ है। अब 625 कर देंगे तो मेरे पास बचेगा कितना भाई? 6625 से 6250 घटा दो तुम, कितना बचा बताओ? 425 बचा ना, यस और नो? और 125 को तुम तीन बार में मल्टीप्लाई करो, करो 6625 है ना, और तीन बार में मल्टीप्लाई करो 375 और 525 तुम्हारा कैरी था तो हट जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो पाँच पाँच करके तो मैंने बताया ही आपको। क्लियर है कि नहीं सबको? पाँच पाँच करके तो बताया ना आपको कैसे काटा था, 5 5 5 जाओ ऐसा करके कर लो। तो जिसमें आप कंफर्टेबल रहें वैसा कर लीजिए, लेकिन बस ये है कि आपका कंफर्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, करना वो पड़ेगा जिससे कि चीज़ें थोड़ी अलग से रहे। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है कि सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस चीज़ों को ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो इस टाइम में मास्टर टेबल बहुत काम आता है हमारे लिए। देखो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, पीपल बोल दिया, इसका मतलब क्या है? मेल फीमेल दोनों, क्या बोला है? बी सी डी, यानी बी प्लस सी प्लस डी, और क्या बोला है? लिटरेट। और पीपल बोला है तो मेल प्लस फीमेल दोनों हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या ये भाषा समझ में आई जो मैंने आपको लिखा है अभी? yes. मेरे हाथ से लिटरेट बी सी डी मेल प्लस फीमेल, तो और लिटरेट बोला है तो हम रेशियो को मेंटेन करते चलेंगे, बी का भी रेशियो लेंगे, सी का भी रेशियो लेंगे, डी का भी रेशियो लेंगे, लेकिन किस में लेंगे? अरे यार इलिटरेट है यार, तुम लोग कुछ नहीं बोल दो, क्या आदमी सब हो तुम लोग, इलिटरेट है। ठीक, उसके बाद बी सी डी टू ए ई एफ, लेकिन किस में? लेकिन पिछले बार में पीपल लिखा था और इस बार में क्या लिख दिया उसने? फीमेल लिख दिया। समझ रहे हो? देखो कितना स्मार्ट एग्जामिनर, नहीं समझे बात को? बोलो इस बार जो बी सी डी ए ई एफ का रिक्वायरमेंट है, बट इस बार क्या रिक्वायरमेंट है उसको? ओनली फीमेल, समझ रहे हो? फीमेल ओनली, लेकिन मेल या फीमेल, सॉरी लिटरेट या इलिटरेट? इलिटरेट बताओ, कहीं कहीं लिखा है क्या लिटरेट इलिटरेट? दोनों फीमेल, टोटल नंबर ऑफ फीमेल, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है ना, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, बट इन्होंने स्टार्ट किया है इलिटरेट से, तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि शायद ये इलिटरेट की बात कर रहा हूँ, बट ठीक है, इससे हमें न्यूमरेटर से ही हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में शायद हमें जाना ना पड़े, क्योंकि डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ सब डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, दिख रहे हो कि नहीं? तो एक को सॉल्व कर दिया, टेंशन खत्म, यस और नो? हालांकि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है, तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा, यस और नो? अरे बोलो ना बाबू, अगर दो डिनोमिनेटर सेम होता ना, मान लो यहाँ 527 लिखा, यहाँ भी 527 लिखा है, तो उस बात समझ में आती है, लेकिन डिनोमिनेटर सबके अलग हैं, तो जिसका न्यूमरेटर अलग है वही उसका आंसर होगा, यस और नो? अरे बोलो ना, सो गए क्या? हाँ जी, यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो इलिटरेट निकालते हैं बी का, तो बी का इलिटरेट निकालो जी, लेकिन याद रखना पर्सन होगा, तो मेल फीमेल का झंझट नहीं चाहिए अपने को। अब झंझट नहीं चाहिए तो यानी सिर्फ रेशियो रेशियो में काम करना है, परसेंटेज पे जाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? अरे मेल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो, जब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन तब करना पड़ता है मेल फीमेल में, जब हम परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन हम मेल फीमेल के लिए करते हैं, लेकिन जब पेपर लिखा है तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हो? सीधा मुद्दे में बात करो, लिटरेट इलिटरेट का रेशियो बात करो तुम, तो बोले ठीक है जी। तो चलो बताओ बी का, बताओ बी का इलिटरेट 9/20, यस और नो? 9/20 इनटू क्या? बी का कितना है वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना है बी का? 2000। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो जोड़ो इसको, सी की बात करो, याद रखना इलिटरेट की बात करेंगे, 2/15, बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो, यस सर, 1500। चलो नेक्स्ट, अब बताइए डी का, डी का तुम बताओ, सब मेरे से करवाओगे क्या? वन सर, वन। क्या वन? खाली वन?
वन बटा फाइव आधा अधूरा बात क्यों कर रहे हो भाई, वन बाय फाइव बटा फाइव हाँ इंटू 2750 डी है 2750। अच्छा मुझे बताओ क्या मैं नीचे का वैल्यू निकालूं या ना ही निकालूं? निकालूंगा मैं, लेकिन मेरा मेरी दिली इच्छा है कि मैं ऊपर ऊपर का काम पहले कर लेता हूँ। यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे तुम लोग? यस सर। अब जोड़ो तो जरा, ये 900 है, ये 200 है और ये 550 है। देखो इतनी आसानी से तो नहीं होगा बाबा, ये तो रेशियो से कटने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी निकल कर आएगी। 1650 यस और नो? बोलो यस और नो। यस सर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमें ये देखना है कि इसके विल में कॉमन क्या आएगा, तो इतनी आसानी से तो ये चीज़ें होने वाली नहीं है, हमें डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा। तो बताइए जरा, डिनोमिनेटर निकालिए, जरा डिनोमिनेटर निकालिए, बोलो कैसे निकालेंगे डिनोमिनेटर, कैसे निकालेंगे बताओ जरा, बोलो। AEF का निकालोगे ना? अच्छा मुझे बताओ A का कैसे निकालेंगे? वैसे तो मैं बताऊंगा A का कैसे निकालेंगे, A का। अरे बाबा फीमेल कितनी परसेंटेज है? सर 48% ऑफ 750। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 48% ऑफ 750। अब इसमें सिर्फ फीमेल लिखा है, लिटरेट इलिटरेट लिखा ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे रेशियो में, समझे कि नहीं बात को? पिछले बार उन्होंने मेल फीमेल वर्ड यूज़ नहीं किया, तो हमें परसेंटेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इस बार इन्होंने क्या किया है, सिर्फ फीमेल लिखा है, तो मैं लिटरेट इलिटरेट में फीमेल पूछा है। हाँ मतलब सीधा सीधा फीमेल वैल्यू पूछा है, तो हम उसके उसके लिटरेट इलिटरेट में क्यों घुसूँ मैं, बराबर कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं, बताओ, ईमानदारी से बात कर रहे हैं अपन। यस सर। तो अपन मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा पे आ जाओ मुद्दे पे। चलो तो 48% ऑफ कितना, फीमेल 48 है तो यानी 750। अच्छा ये 48 यहाँ नहीं है, डी किसका पूछा है, AEF का है, तो ए का इधर लिखना चाहिए था, वो थोड़ा ऊपर, ठीक है। ई का कितना है, 51। एफ का कितना है, 25%, 61, ठीक है। 48% ऑफ कितना, बी का कितना है टोटल, बताओ जल्दी से। अरे दो बी का नहीं, एक का है, 750। हाँ वेरी गुड, 750, ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट बोलो, 61 ऑफ 2500, 61% 61% ऑफ 2500। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी शायद आपको इस चीज़ का एहसास हो गया होगा, मैं उस पेज पे आता हूँ जहाँ पे मैंने सब चीज़ें लिखी थी। देखो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन डिविजन सब्सट्रैक्शन फास्ट करना पड़ेगा, देखो पॉइंट नंबर 4 पे बोलो लिखा है कि yes, sir. अब मैं कुछ ही लिखा हूँ तो सोच समझ के ही लिखा हूँ, यस और नो बोलो। yes. अभी तक तुम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, अभी जन्नत जन्नत दिखने दिख गया होगा तुम लोगों को, हैं ठीक है ना? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन शुड बी डन वेरी फास्ट, ठीक है। तो चलिए ऊपर 1650 आ गया, 48% निकालना है, देखिए क्या निकालना है, 48% निकालना है, तो आप निकाल लीजिए इसको। देखो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा तो 7.5 होगा, बट उससे मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ, किसी चीज़ को स्प्लिट कैसे करते हैं। मुझे बताओ 48% को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 2, 50 माइनस 2, यस सर, यस सर, है ना बढ़िया, क्लियर है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं थोड़ा टेक्निक बता रहा हूँ, वैसे मैं कैलकुलेशन के बहुत सारी चीज़ें बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन आप लोग जाके देख लेना वीडियो में। तो 50 माइनस 2 हम मैं फिर से लिख रहा हूँ, जब मैं परसेंटेज लिखता हूँ तो क्या होता है, 1/100 होता है, ये 7750 होता है, यस और नो? यही है ना, यही है ना, बोलो जल्दी से। yes, अरे sir, बोलो yes, ना sir. तो देखो क्या मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 2
देखो मुझे बताओ, अगर मैं परसेंट ऑफ 750 बोलता हूँ तो 75% ऑफ 10 नहीं है क्या ये? 75% ऑफ 10 बोलो क्या ये? 75% ऑफ 10 और परसेंट ऑफ 750 एक ही चीज़ नहीं है क्या? 1% ऑफ 750 या 75% ऑफ 10 दोनों एक ही चीज़ नहीं है बोलो? क्या एक ही चीज़ है या नहीं है 7.5? क्योंकि 1% ऑफ 750 भी 7.5 होता है और 75% ऑफ 10 भी 7.5 होता है। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है बताइए? आती है तो मुझे आपको मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना और डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो 75% ऑफ अगर 10 है ये तो 75% होता क्या है? 3/5 होता है या नहीं होता है जल्दी से बताओ। अरे 75% होता है ना जी, 25 या 75, 2500, 3/4 सॉरी 3/4। तो ये 3/4 है और ये 10 है तो ये कितना हो गया? 12 बार में 12 36 360। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर हुआ? अब इसको अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा ना वो फटाक से समझेगा ये 75% ऑफ 10 है। 75% मतलब 3/4 है, 3/4 मतलब 4 3 12 कट गया सीधा, वो उसको दिख जाएगा ये 750। जैसे ही उस बच्चे ने देखा ना, जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है वो तुरंत देखेगा दिस इज़ नॉट 750, दिस इज़ 75%। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? मुझे बताओ अगर मैं बोलता हूँ 48% ऑफ 750 तो मैं इसको बोल सकता हूँ 480% ऑफ 75? बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना जल्दी से, बोल सकता हूँ? ये जीरो को इधर इधर शिफ्ट कर दिया तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 75% ऑफ 480, और 75% का रेशियो कितना होता है? 3/4। तो 3/4 इंटू 480 कितना होता है? 12 120 360। तो ये सब चीज़ जो है ना माइंड में करना था टेक्निकली, मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करो करो करो, बट ठीक है अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस और नो? बोलो। अब देखो ये परसेंटेज से सीधा सीधा आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, 2 0 कट गया। 25 को मल्टीप्लाई करो 6 से तो कितना? 25 6 150 यानी 150, और 10 और चिपका दो 1500, और 1500 और 2500 जोड़ दो तो कितना जाए? 1525। ये सुनो, नहीं समझे? 25 × 6 कितना हो गया? 150। 10 और चिपकाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट भी है तो 1500। अब 25 × 1 कितना हो गया? 25, तो 1525। चलो 25% कितना होता है? 1/4, तो 3000 का 1/4 कितना होता है? 750। जरा जोड़ो तो इनको मिला के कितना आता है? अब देखो जोड़ना भी एक आर्ट है। कैसे जोड़ना आर्ट है? देखो आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो एक एक करके, बट टेक्निकली क्या है ये 360 है। चलो आप एक काम करो वैसे ही जोड़ लो जैसे आप जोड़ते हो। देखो ये 5 है, 5 लिख दिया, 5 5 10, 5 2 7 6 13 कैरी 1 7 6 3 5 कितना आया? 2 6 3 5 2 6 3 5 सबका आया क्या? 2 6 3 5 हाँ yes, बिल्कुल सही। तो 2 6 3 5 आने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये 2 6 3 5 आ गया और ये क्या आ गया? क्या आया बोलो? ऊपर क्या था? 1650 ना, 1650 सर। हाँ तो 5 से काट लो इसको, 5 3 15, 5 3 15 1, 5 3 15 330। ठीक है ना? तो 330 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, न्यूमरेटर में। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता और मेरा टाइम ओवर हो चुका होता तो मैं टिक लगा देता, थोड़ा रिस्क ले लेता, लेकिन चूंकि अगर टाइम है तो हम नीचे भी काट लेते हैं। 5 5 25 2, 5 5 25 1, 5 2 10 3, 5 7 35, तो 5 330 × 527। क्लियर है सबको? यस और नो? बोलो। Yes. तो yes, sir. देखो इम्पोर्टेंट क्या था, एक चीज़ की हमें वैल्यू लिखनी है, ये बात तो सही है, लेकिन वैल्यू का ऑब्जर्वेशन करना ये भी बहुत बड़ा क्या है? आर्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, इस आपको जब आपका प्री लेवल का एग्ज़ाम दोगे ना तो सिर्फ आपको बार ग्राफ रहेगा, नीचे का टेबल नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो सबको? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ, अगर रहेगा भी वैल्यू तो इजी वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक बात यह है कि कैलकुलेशन आपका क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए। समझ आ रहा है? कैलकुलेशन क्या होना चाहिए?
जल्दी से बताओ। हाँ ये टाइम, ये पढ़ाई करने आया है अभी 8:40 पे। ठीक है, समझ में आया, बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो 3% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज डी एंड 5% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज ई आर लिटरेट, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल फ्रॉम डी एंड एफ टुगेदर। ठीक है, विलेज डी की 3% क्या है, लिटरेट है। ठीक, एक सेकेंड, और कौन सा है? चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करना क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाने वाला है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। कहोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन करो आप पहले, ये वाला करो, ये वाला। द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ए एंड सी, ये आप जल्दी से बता सकते हो, इज़ हाउ मच मोर और लेस देन, परसेंटेज मोर और लेस देन फीमेल फ्रॉम डी एंड एफ, तो मुझे बताओ जल्दी से बोलो बोलो, कैसे करेंगे इसको बोलो। हाँ जी, ए और सी का फीमेल बोला है तो क्या उन्होंने लिटरेट इलिटरेट की बातें की है क्या उसने, बोलिए कुसुमा फाइव। हाँ सर। जब बात नहीं किया तो टेन नंबर ऑफ फीमेल, तो मुझे बताइए ए का फीमेल कितना है, 48% सर। ए का, हाँ फीमेल अगर 52 है तो 48% ऑफ कितना, 750। बहुत बढ़िया, चलो सी का फीमेल बात कर लेते हैं। सी का फीमेल एकदम इस बच्चों की तरह चल रहे हैं अपन, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बेसिक सीखना जरूरी है। ठीक है, सी का फीमेल बताइए 55% ऑफ कितना, 1500। बहुत बढ़िया, बढ़िया ना, सॉल्व करें। अब टुगेदर बोला है ना, ए एंड सी बोला है तो जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये तो हमने कर लिया था अभी, किया था ना, किया था कि नहीं किया था बोलो। क्योंकि मैंने बोला था कि 48% इज नथिंग इज 480% ऑफ 75 या 75% ऑफ 480, 75 का 340 तो 360 आया था इसका वैल्यू, आया था ना, मुझे याद भी और मैंने अभी कैलकुलेट भी कर दिया। चलो अब 55% मतलब 50% होता है, मुझे बता 55% इज हाउ मच, 50 + 5%, यस और नो, टेल मी टेल मी, यस और नो। अब 1500 का 50% कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 750 होता है, 750। अब 50% अगर 750 है तो 5% तो एक जीरो हटा दो खाली, नहीं क्या? अरे बोलो ना बाबू, अगर 50% 1500 का 750 होता है आधा, तो 5% के लिए क्या है, 5 और 50 में क्या किस चीज का डिफरेंस, क्या चीज़ का डिफरेंस, 50 और 5 में क्या का डिफरेंस, एक जीरो का डिफरेंस है, मतलब एक जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कर लिए 825। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 825 कितना आ जाएगा, 5 6 2 8 और 8 3 11 1185। क्या इस बात में किसी को कोई तकलीफ है, बताइए कोई तकलीफ है? चलिए नो सर। फिर से उन्होंने लिटरेट इलिटरेट का पंगा नहीं रखा और उन्होंने सीधा सीधा बताया डी और एफ का फीमेल बताइए, तो चलिए डी का फीमेल बताइए आप लोग बोलिए। 30। तो डी का फीमेल की अगर बात करें, देखो तुम ना 30% बोल दिया, बिल्कुल सही, तो 30% ऑफ कितना, 2750। ठीक है, 300 गुना कर लो, देखो 275 का मतलब क्या होता है, 75 का 3 गुना और 200 का 3 गुना, 200 का 3 गुना होता है 600, 75 का 300 3 गुना होता है 225, यानी 6000 सॉरी 600 प्लस 225 यानी 825। क्या ये बात सही है, 825। यस सर। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्यों मैंने क्या किया, हाँ, पहले 2 से किया तो 2 × 3 600 हो गया, 75 का 3 होता है 225, 225 से ये कर दिया 825, और परसेंटेज और जीरो से दो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एक जीरो कट जाएगा, कोई खराबी नहीं है। चलिए डी का फीमेल की बात कर लिया, देखो कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं होगा ना बाबू तो बहुत तकलीफ है ज़िंदगी में, बता रहा हूँ ईमानदारी से। एफ का क्या, 25% ऑफ 3000, 25% ऑफ कितना, 3000। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 750। इन दोनों को जोड़ दो जरा, इन दोनों को जोड़ 1575, तो कितना आ गया, 157। अब आपसे क्या पूछा है, कितना ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज में, लेकिन मुझे बताओ कि ए और सी का जो वैल्यू है 1125 85 जो वैल्यू है 1525 से 75 से बड़ा है या छोटा है,
छोटा है तो हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज लेस निकालेंगे, परसेंटेज लेस निकालेंगे, यस और नो, लिखा है ना? यस सर। परसेंट लेस, और परसेंट लेस में क्या होता है, लार्जर माइनस स्मॉलर नंबर अपॉन स्मॉल लार्जर नंबर इंटू 100, लिखा था मैंने, यस और नो बोलो। यस सर। क्योंकि बड़ी किसी नंबर को छोटा बनाना है या लेस करना है तो बड़े नंबर को डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो चलिए 1575 माइनस 1185 अपॉन कितना बोलो, 1575 इंटू कितना 100, चलो सॉल्व करो उसको, कितना आता है, 5 में 5 जाएगा 0, 17 में 8 जाएगा 9, यस और नो, 14 में 11 जाएगा 3, ठीक चल रहा है, यस और नो, और 1575 बोलो ठीक है कि नहीं है। भाई पॉइंट में चल रहा है मामला, देख रहे हो, पॉइंट में चल रहा है मामला, यस और नो, और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो उसको काट लो भाई, 5 दिया 15। एक्चुअली जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पता है क्यों नहीं कराया, क्योंकि इसमें डेटा सफिशिएंट ही नहीं, इसका आंसर जो है ना, जो मैंने नहीं कराया, मैं सोचा अभी बता दूं, लेकिन मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा सी एन डी, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा सी एन डी आएगा, क्योंकि इसमें टोटल वैल्यू तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर वो 3% दे रहे हैं और हमें पता है कि 3% से ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ है, तो किसी न किसी एक का वैल्यू तो देना पड़ेगा ना टोटल, जैसे पिछले बार पहले क्वेश्चन में एक वैल्यू मिसिंग था, तो इसका आंसर आएगा सी एन डी, क्या आएगा 4 एन डी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया नहीं था आपको। लेकिन ये सब चीज़ें आप लोग जब अभी लेक्चर ख़त्म होगा तो आप सोचना कि मैंने क्या बोला था, और लेक्चर अपलोड होगा तो चीज़ों को और अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए, तो ये देखो 390/575 इंटू 100, 5 से 15, 5 का 5, अरे सीधा सीधा 15 लिख दो ना जी, क्या दिक्कत है, 5 से 35, 4 5 8 40, ठीक है, 3 से कटेगा ना जी, 3 2 6, अरे वैसे बोलो ना 26 से 78, बोलते ही नहीं हो, ये तो खराब लगता है मुझे, अभी और काट लो, 5 6 30, 5 का 5, 5 20 बार में, तो ये कितना आ गया 5200/61, ठीक लिखा कि नहीं, सही है, देख लो बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा वो तुम लोग देख लो, उसको कोई ख़राबी नहीं है, वैल्यू चेक कर लो खाली, इतना टाइम नहीं है अपने पास। देखो हमने किया था जो, यही आया था ना हमारा, नहीं सर, अरे यही आया ना वैल्यू 390/15, अब इसको सॉल्व करो ना, तुम कैलकुलेटर में करना कुछ, वो भी मेरे से करवा, 24.76 है ना, वो तुम देख लो, मैं तो मैं छोटा छोटा कैलकुलेट कर रहा था, बाकी अब तुम लोग समझदार हो ही, अभी क्या मेरे से करवा रहे हो ये सब चीज़ें, अरे ये 52 है ना जी, तो तुम कर लो इसको कैलकुलेट, कर लोगे कि नहीं करोगे, कि वो भी करवाना है मेरे से, बोल दो अपनी, कर लेंगे सर, ठीक है ना, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई थिंक उसमें सी एन डी आंसर था, क्योंकि इसमें टोटल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, किसी भी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर हमें टोटल वैल्यू तो पहले से पता है, लेकिन ये जब वैल्यूज में चेंज कर दिए ना 3%, तो 3% कितने के बराबर है, तभी तो हम 100% निकाल पाएंगे, इसीलिए हम नहीं निकाल पाएंगे, सर इनसे सी एन डी आएगा, ठीक है, देख लो शायद होना भी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ सही है, एफ का डेटा नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें दो चीज़ की वैल्यू दिया हुआ है ना, बताया ना मैंने आपको, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए, देखो डी का दिया है, डी का वैल्यू दिया है, फीमेल ई का दिया है, तो डी का दिया है और ई का दिया है और पूछ रहा है एफ का, तो कैसे बताएंगे, अरे बोलो ना बाबू, यस और नो, देखो इधर डी का फीमेल दिया है, ई का फीमेल दिया है, बट पूछ किसका रहा है, एफ का, अगर वो मेल पूछते ई का ना तो हम बता देते, समझे कि नहीं बात को, अरे बोलो, नहीं समझे बोलो, क्लियर है कि नहीं, तो उन्होंने पिछला फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो वही था ना, तुम लोग खुद ही देख लो, पहला क्वेश्चन जब अपन सॉल्व कर रहे थे क्या हुआ, लो कहाँ गुम गया, लो गुम गया भाई, अब मिलना मुश्किल है, समझ में आया था क्या तुम लोगों को कि नहीं आया था, ये बताओ, वैसे तो मिलना है ही, कहीं जाने वाला है,
लेकिन देखो मैं अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला हूँ नहीं, सीधी बात है ना, अब तुम लोग एडजस्ट कर लो। मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में क्या दिया था, डी और ई का दिया था, बट पूछ किसका लिया, डी और एफ का, तो कैसे बताएंगे, पॉसिबल है बताइए। हाँ जी, इज इट पॉसिबल, लेट मी नो। हाँ जी बोलो। यस सर, नहीं है ना, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, फिर ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सर मुझे ना ये पूछना था, बोलो। सर मतलब अभी जो लोग जॉब कर रहे रहेंगे ना, और उनको अगर मतलब कोई गवर्नमेंट एग्जाम देके, अगर एग्जाम देके जॉब लेना होगा, तो मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग? मतलब नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब तो मतलब प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम दीजिए। एज भी नहीं, मतलब जिनका एज लिमिट, मतलब अभी सपोज कोई 29 या फिर 30 एज का रहेगा, और उनको फिर भी अगर चांस मिल सकता है कि अगर नहीं, एग्जाम नहीं, देके? नहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो लोग का उनका एज एक्सपायर हो गया और वो गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब अगर होता है कि कुछ लोगों का ये रहता है डेट कि अगर आप ऑलरेडी MBA किए हुए हैं, ठीक है, हायर डिग्री हाँ. किए हुए हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन रहता है, या फिर आप कैटेगरी में, या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एक्स सर्विसमैन के पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो, तो वो डिपार्टमेंट। पर अभी अगर करना रहेगा तो अभी कोई नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता है कि जो जिस एग्ज़ाम के लिए, अब ज़रूरी नहीं कि क्लैरिकल भरना, अब आपको PO का फॉर्म भरना होगा, PO में 33 तक, मतलब 30 तक का रहता है एज आपका, क्लैरिकल ओके. क्लैरिकल लेवल का निकल गया मामला, अब आपको PO का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 30 साल तक का एज होता है, तो ओके. क्योंकि सिर्फ PO का ही क्या क्या नहीं एग्ज़ाम, नहीं मतलब और भी एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, SSC का है, SSC का जो CGL का एग्जामिनेशन आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर हाँ. वो भर सकते हैं आप, उसमें 30 साल का एज होता है। कौन सा कैटेगरी है आपका, OBC है, जनरल है, कौन सा? OBC है. OBC है तो 33 ईयर्स तक आपका वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके. और अगर OBC है तो आप क्लर्क का भी भर सकते हैं, क्योंकि 28+3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, तो आप उस पर OBC ओके. कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लर्क मतलब अभी जो अभी आया है हाँ, वो क्या? वो फॉर्म भर सकते हैं आप, लेकिन OBC के ओके. लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है? ओके, तो मतलब उनके लिए उसको वो डॉक्यूमेंट्स आईटी हाँ, दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, वो डाउनलोड करके अपना जो मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है वहाँ जाइए, और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कुछ पैसे वैसे लेके, मतलब पैसे नहीं, मतलब जो ओके. चार्जेस होते हैं ना, गवर्नमेंट चार्जेस, हाँ हाँ वो फॉर्म फिल करेगा, वो आप भर सकते हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। और सर जॉब्स के लिए वैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए, या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट डायरेक्ट जॉब? डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब को लगता तो लोग इंटरव्यू देकर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाता, बिना रिटर्न एग्जाम का को कोई जॉब लगता ही नहीं है गवर्नमेंट को, ओके. रिटर्न एग्जाम देना ही पड़ता है, बिना डायरेक्ट इंटरव्यू में ओके. अगर कोई बोलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे जॉब करता हूँ और मैं डायरेक्ट नौकरी लग गया, तो समझ लो सेल्स का काम करता होगा, ठीक है? ओके. मतलब दैट इफ एनीवन इज सेइंग दैट आई एम डूइंग वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गेटिंग सैलरी ऑफ 30,000 25,000 कुछ भी व्हाट एवर, देन ही मस्ट बी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स व्हिच इज ए थर्ड पार्टी, ही इज नॉट डायरेक्ट, वो उसका पेरोल जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भले आ जाए, बट टेक्निकली ही इज नॉट इन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक, ही विल बी थ्रोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अगर इस प्रोसेस से जाते हो आप IBPS के थ्रू, तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, ये बात गारंटेड है, ओके. ठीक है, चलो सभी क्लर्क आप एक काम कीजिए, सब लोग आप लोग ये वेबसाइट पे विजिट करते रहिए freejobalert.com, सब लोग नोट कर लो, मैं एक काम करता हूँ. सो वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ एंड टेबल ग्राफ मिक्स्ड. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends, and you can press the subscribe button. You will get the notifications of the PDF, and you can join the Telegram group as well by joining Maths by Ravi Ranjan sir. You will get the screenshot and the PDF of the questions which we have discussed today, or you can type Ravi Ranjan sir Maths Guru in the Telegram channel. You will get the PDF as well as the screenshot of the questions which we have discussed today. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.